मे चित्तल सदा भवतु मे हो राम मामकर। यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुतस्तन्वन्ति दिव्यस्तवे वेदै सांग पद क्रमोपनिषदैः गायन्ति यम सामगाः ज्ञानं वस्तत्तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यम योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगण देवाय तस्मै नमः। जटाटवी गलज्जल प्रभापावितस्थले गलेवलं विलम्बितं भुजङ्गतुङ्गमालिकं डमड्डमड्डमन्निनडमड्डमरव्यं चकारचण्डताण्डवं तनोतुन शिवः शिवम्। जटाकटाहंसं भ्रमं भ्रमं नीलं नीरजहरि विलोल्लवि चिवल्लरि विराजमानमूर्धनि धगत् धगत् धगज्ज्वलं ललाटपट्टपावके किशोरचन्द्रशेखरे रति प्रतिक्षणं मम। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूतमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्यं अतुलितवरधामं हेमशैलावदेहं धनुजवनकृशानं ज्ञानिनां अग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। आपदापहर्तारं दातारं सर्वसंपदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। अखिलदुरितपुञ्जं धनसनं देहभाजां भवजलनिधिपोतं पावनं पावनं परमपुरुषधामं प्रापकं स्वाश्रितानां श्रीरामचरणचरणौ शततं नमामि। परमानंद कं दयालु कृपालु सच्चिदानंद घन पूर्ण प्रवरण परात्पर मोनिमल रंजन भवभय भंजन दुष्ट निकंदन कौटि कष्ट भंजन खलदल गंजन गोपी जन रंजन भक्त जन रंजन चित्त चौर चंदन साधु जन रंजन दशरथ नंदन कौशल्या गोवर्धन। श्री राघवेंद्र सरकार के पावन से चरणों में प्रणाम। परम श्रद्धेय परम श्रद्धा स्पष्टाद स्मरणीय वंदनीय अंतर्राष्ट्रीय राम स्नेही संप्रदाय की जन्मदाता पूज्यपाद भगवत स्वरूप आराध्य देव तपहपु तपोनिष्ठ ब्रह्मनिष्ठ अध्यात्म अवतारी पुरुष स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज एवं बड़ा राम द्वारा जोधपुर के संस्थापक भजनीक उपाधि से अलंकृत यथा नाम तथा स्वनाम धन्य स्वामी जी श्री भगवान दास जी महाराज के पावन पाद कदमों में वंदन। सेवक भाव से संपन्न रामदूत भक्त शिरोमणि सभी के मनोरथ को सिद्ध करने वाले बलभक्ति विद्या में पारंगत भक्त शिरोमणि श्री हनुमंत लाल जी महाराज के पावन से चरणों में प्रणाम। रामचरितमानस के रचयिता गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज के पावन से चरणों में नमन। संत श्री रामशरण जी विप्रबंधु संगीत बंधु राम कथा रस रसिक मुमुक्षु पिपासु जिज्ञासु गुरु गोविंद गीता गायत्री गाय गोवर्धन गणेश राम राष्ट्र जी उपाश्यको श्रद्धा वात्सल्य प्रेम त्याग सेवा समर्पण से संपन्न मेरी माताओं तारों की तरह टिमटिमाते हुए बालक बालिका कैलाश पर्वत पर भगवान भोलेनाथ आशुतोष ऑर्डर रानी सदाशिव भोलेनाथ शंकर भगवान मां भवानी को
राम कथा सलीला में डुबकी लगवा रहा। नीलगिरी पर्वत पर काकभूषण जी महाराज गरुड़ जी के संशय का निवारण करते हुए राम कथा श्रवण करा रहे। प्रयागराज भरद्वाज मुनि के आश्रम में याज्ञवल्क्य के ऋषि भरद्वाज ऋषि को राम कथा आत्मसात करवा रहे हैं। चित्रकूट के घाट पर मंदाकिनी नदी के तट पर गोस्वामी तुलसीदास जी अपने मन को बोध कराते हुए राम कथा व्यक्त कर रहे हैं। सकल लोक को पावन करती हुई राजस्थान के गुलाबपुरा क्षेत्र के आनंदीपुरा गांव में गंगाराम जी चौधरी के प्रशासनिक सेवा निवृत्त होने के उपलक्ष में राम कथा के आज चौथे दिवस में आप और हम सभी प्रवेश कर रहे हैं। रामायण जो राम जी का घर है, जिसमें राम जी का निवास हो वही रामायण है। रामायण में हम अपने आप को प्रवेश करते हुए राम जी के दर्शन, राम जी की दिव्यवाणी, राम जी का जीवन दर्शन अपने जीवन में आत्मसात करने का प्रयास करो। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने ग्राम्य भाषा में दोहा चौपाइयों में राम जी के चरित्र को रचकर राम जी के आदर्श पथ पर चलने का हम सभी को मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। कल हम सभी ने राम कथा के जरिए राम जन्म महोत्सव मनाया। महाराज दशरथ को बड़ा आनंद हुआ। कौशल्या के कई सुमित्रा के गर्भ धन्य हो गए। राम भरत लखन शत्रुघ्न चारों लल्लाओं की प्राकट्य भाव को देखकर संपूर्ण अयोध्या समाज गूंज उठा, ब्रह्मांड गूंज उठा। देवगण आ आ करके नाना प्रकार की स्तुति करके राम जी के सगुण स्वरूप बाल स्वरूप का दर्शन करके देव धन्य हुए। पुष्पवृष्टि की भगवान भोलेनाथ को जब खबर पड़ी तो भगवान भोलेनाथ के मन में भी राम दर्शन करने की इच्छा जागृत हुई। अयोध्या चर्चा संजोग की बात की काकभूषण जी भी वहीं थे। दोनों में विचार विमर्श हुआ। राम दर्शन के लिए दोनों ने अपनी इच्छा जागृत करी एक दूसरे से। दोनों ने गुरु चेले का रूप धारण किया। भगवान शंकर भोलेनाथ वृद्ध बाबा बन गए। काकभूषण जी जवान रूप धारण करके अयोध्या की कुंज गलियों में अलग दांत जगाते हुए अयोध्या के राजमहल में भगवती ने भिक्षां देने
ये अलग जगह का, ये सुनकर मां कौशल्या महारानी आरती का थाली लिए हुए, नाना प्रकार के रत्नों की थाल लिए हुए द्वार पर आती है भगवान शंकर, काकभूषण जी गुरु शिष्य नकार देते, अरे माता राम माने ये कोनी चीज है, हीरा पन्ना माणक मोती रत्न सु भरिया खजाना ने छोड़ साधु बाबा बढ़िया आऊ मरी कई अबे ममता है, हम तो तेरे यहां रत्न का खजाना लेने नहीं आए, हम तो तेरे यहां लाला के दर्शन करने आए, लाला के दर्शन की इच्छा है। साधकों, लाला के दर्शन की प्यास लिए हुए हम आपके श्री चरणों में अपना भाव लेकर के आए। अरे भाई थे यूं आया हो, बोले राम जी के दर्शन करने, बोले हमारा लाला तो छोटा है, बोले लाला छोटा है तभी तो हम दर्शन करने आए, लाला छोटा है तभी तो हम दर्शन करने आए। भाई ऐसा है कि हम लाला के दर्शन तो नहीं कराएंगे, क्योंकि बाबा आपके गले में सर्पमाला है, आपके गले में सर्पमाला है, ऐसे हम दर्शन कैसे करा दे कि आपके गले में सर्पमाला है, हमारा लाला तो देखकर डर जाए वो। अरे भैया मैं ज्योतिषी हूं, ज्योतिषी अच्छा हस्तरेखा जानते हैं, बोले हाँ, तो बाबा एक काम करो आप अंदर चलो, भगवान शंकर अंदर जाने लगे। काकभूषण जी ने कहा क्यों गुरु जी, अकेला अकेला मैंने जवान मने बारे रखो, मार कोल खोल दूल मैं। गुरुजी ने कहा पलट कर, मैया देखो मैं हस्तरेखा देखा दिखे कोने में बुड्ढा आदमी, मैंने दिखे कोनी साफ साफ धुंधली रोशनी है, आ क्या मेरे मोतिया बिंद आई थे दिखे को, मारो चेलो होशियार है, चेलो मारे हस्तरेखा देख बताया। मैया बोली एक काम करो गुरुजी, आप तो यही रह जाओ और चेले को अंदर भेज दो। काकभूषण जी खुश हो गया, अंदर जाने लगे। गुरुजी ने कहा चेला मटक मटक कटे हाल है, यूं जावे मायने मने छोड़न, हमार पोल खोल दो ना धारी। फट से काकभूषण जी रुक गया। काकभूषण जी बोले मैया मैं हस्तरेखा देखना जानता हूं पर फल कथन करना मैं नहीं जानता, फल का कथन करना मैं नहीं जानता, फल का कथन को हमारे गुरु महाराज करेंगे। कहने का मतलब है कि आप गुरु और चेले दोनों ही अंदर आएंगे, क्योंकि गुरु जी को हाथ की रेखाएं दिखती नहीं है, बारीक बारीक रेखाएं, मेरे को हाथ की रेखाएं दिखती है पर मेरे को फल व्यक्त करना नहीं आता है। मैया आखिर हाथ जोड़ के बोली अच्छा गुरु चेलो क्या दोनों ही आ जाओ अंदर,
अब गुरु चेला अंदर आए, राम जी के दर्शन किए, बड़ा सुंदर भाव जागृत हुआ। राम जी को गोदी में लेकर भगवान शंकर आनंदित हो गए, प्रसन्नचित्त हो गए। काकभूषण जी ने इशारा किया, भाव जी थे अकेले ही आनंद ले कि मन्ने भी ले मुको दे। देखता देखता काकभूषण जी राम जी ने गोदी में ले परमानंद में डूब गए, खो गए, दोनों धन्य हो गए। शंकर और काकभूषण राम जी के दर्शन करके गोदी में लेकर के दोनों ने राम जी की परिक्रमा की और पुनः वहां से वापस चले गए। एक महीने तक जो है सूर्य अस्त ही नहीं हुआ, वहां इतना बड़े आनंद के साथ में जो है उत्सव मनाया गया। सूर्य जी आनंद, सूर्य भगवान आनंदित हो गए। मास दिवस कर दिवस भा मरम जान को यम रथ समेत रवि ठा के हूं निशा कवन विधि हो यम। बड़े आनंद के सारा ब्रह्मांड आनंदित हो गया। राम जी का जन्मोत्सव मनाते मनाते गुलाल अबीर हल्दी दही में मथकर घोलकर एक दूसरे के ऊपर उंडेलने लगे। सबके सब आनंदित हो गए। सूर्य भगवान का रथ खड़ा हो गया, स्थिर हो गया। सूर्य भगवान इसलिए खड़े हो गए, मेरे वंश को धन्य करने के लिए आज भगवान ने अवतार लिया है। राम कौन से वंश में आए? सूर्य वंश। इसलिए सूर्य जी, सूर्य तो एक महीना वहां से खिसका ही नहीं। इस मर्म को कोई नहीं जानता। राम जन्मोत्सव में इतने गुले मिले थे कि एक महीना कब निकल गया कोई पता ही नहीं पड़ा। ऐसा बड़ा भारी उत्सव है। नामकरण कर अवसर जानो भोग बोली पठाए मुनि ज्ञान। गुरु वशिष्ठ जी को बुलाया गया, नामकरण संस्कार की तैयारी करने लगी और कौशल्या के लाल को देखकर बड़ा सुंदर नामकरण संस्कार करने लगे। जो आनंद बड़े भार आनंद, जो आनंद सिंधु सुख राशि, आइए बड़े भाव प्यार के साथ उत्सव मना रहे हैं। नामकरण का भी एक अपने आप में बहुत बड़ा भारी उत्सव है। स्वस्ति वाचन प्रारंभ होने लगा, ब्राह्मणों की पूजा अर्चना होने लगी। ब्राह्मणों के द्वारा कई तरह के पाठ होने लगे और गुरु वशिष्ठ जी बड़े श्रद्धा के साथ प्रेम के साथ चारों ललों का नामकरण संस्कार कर रहे हैं। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद सिंधु सुख राशि, सीकर ते त्रिलोक सुपासि, सीकर ते त्रिलोक सुपासि, सो सुख धाम
मन में सुख अनुभव, जिसका नाम उच्चारण करते ही मन में शांति मिले, आनंद सुख और शांति तीनों प्रदान करने वाला है, ऐसा नाम कौशल्या तेरे पुत्र का नाम राम रखते हैं। फिर आगे कहा विश्व भर विष्णु भरण पोषण का चिंता मम जीवन यदि हरि विश्वंभर कियते, जिस परमात्मा का नाम विश्वंभर हो वही तो सबको भरण पोषण करने वाला होता है। इसलिए भरण पोषण के कर्ता हरता धरता विधाता यदि कोई है एक एक तेरा ये भरत, इसलिए इसका नाम भरत रखते हैं। आगे कहा जाके सुमिरन तेरे पुनासा, जाके सुमिरन तेरे पुनासा, नाम शत्रु है वेद प्रकाशा, नाम शत्रु है वेद प्रकाशा, श्री राम नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाश। अरे जिसका नाम उच्चारण करने से शत्रु पर विजय प्राप्त हो जाती है, शत्रुओं का जो प्रभाव है वो समाप्त हो जाता है, शत्रुओं का जो हमारे ऊपर आक्रमण है वो भाव समाप्त हो जाता है। इसलिए शत्रुओं का शत्रु हमारे ऐसा नाम उच्चारण करने से शत्रु परास्त हो जाए, हमारे प्रभाव को देखकर हमारे स्वभाव को देखकर परास्त हो जाए। इसलिए हे सुमित्र तेरे छोटे से लाल का नाम हम शत्रुघ्न रखते हैं। और सुमित्रा तुम्हारे दूसरे पुत्र जो बड़ा भाई है इसका नाम सकल जगति आधार, लक्षण धाम राम प्रिय सकल जगति आधार, गुरु वशिष्ठ तेही राखा, गुरु लक्ष्मण राम साक्षात शेषा उतार है,
आज वही शेषावतार तेरा पुत्र बनकर के आया है, जगत का आधार है, जिसकी वजह से ये जगत टिका हुआ है, धरती टिकी भी है, वो है शेषावतार। शेषावतार का अंश ही है सुमित्र, तेरे यहाँ लाल के रूप में याद की, जिसका नाम लखन रखते हैं, लक्ष्मण रखते हैं, जो राम जी का अति प्रिय है, राम लखन की जोड़ी है, भरत शत्रुघ्न की जोड़ी है, राम श्याम वर्ण है तो लखन गौर वर्ण है, भरत श्याम वर्ण है तो शत्रुघ्न श्याम वर्ण है, श्याम गौर वर्ण है, भरत श्याम वर्ण है तो शत्रुघ्न गौर वर्ण है, तो गौर और श्याम, गौर और श्याम की जोड़ी है, इसलिए दोनों का यह बड़ा सुंदर स्वरूप सबको आनंदित करने वाला, इस तरह से नाम कर संस्कार हुआ। व्यापक ब्रह्म निरंजन निर्गुण विगत विनो सो आज प्रेम भगती बस कौशल्या नाना प्रकार से बाल लीलाएं होते हुए बाल लीला का स्वरूप का दर्शन कराते हुए गोस्वामी तुलसीदास जी जिस परब्रह्म परमात्मा के अंश आप और हम सब हैं, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुखराशी, पर वो परब्रह्म परमात्मा साधारण सा जीव बनकर धन्य इस कौशल्या को, जिसको जगत जननी बना करके परब्रह्म परमात्मा जिससे अनेकों करोड़ करोड़ प्रकार के ब्रह्मांड उत्पन्न होते हैं, या जिनके अंतकरण में करोड़ों ब्रह्मांड समाहित है, आज वही अनेकों ब्रह्मांडों के स्वामी जगत नियंता परमपिता परमात्मा भगवान राघवेंद्र सरकार एक नहने से छोटे से बाल स्वरूप में एक साधारण से मैया की गोदी में स्तनपान कर रहे हैं, खेल रहे हैं, आनंदित कर रहे हैं। काम कोटि छवि श्याम शरीरा नील कंज वारित गंभीरा अरुण चरण पंकज नख ज्योति कमल दलन बैठे जनमोती, उनके नील कमल गंभीर मेघ के समान श्याम शरीर में जैसे कि करोड़ों काम देवों की शोभा दे रहे, लाल लाल चरण कमलों के नखों की ऐसी मालूम होती है जैसे कमल के पत्तों पर मोती स्थिर हो गए, ऐसा सुंदर उनका स्वरूप है। भगवान के दिव्य स्वरूप का गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्रृंगार किया, बड़ा सुंदर रूप धारण किया। भगवान थोड़े से बड़े हुए, घुटनों के बल पर चलने लगे, घुटनों के बल पर चलते चलते दीवार को पकड़कर खड़े होने की चेष्टा करते हे बढ़िया मैं खाना नहीं दूँ, राम जी नन्हे से रेंगते रेंगते दीवार को पकड़ के खड़े हुए और दीवार छूट गई हाथ से और स्वयं नीचे पड़ गए। सखियां दौड़ी दौड़ी तुरंत दौड़ी और राम जी को गिरते हुए उठा लिया, अनेकों साधु संत ब्राह्मण आकर के याचना करते हैं, महाराज दशरथ सबकी इच्छा को पूर्ण करते हैं, पर साथ साथ में राम लीला का भी दर्शन करते हैं, भिक्षा के बहाने वहां खड़े खड़े राम जी के दर्शन करते हैं और मन में विचार करते ऋषि मुनि, देखो रे देखो काश में आज पत्थर होता
तो कौशल्या रे रन निवास रे दीवारों में भी चुन जाता ताकि राम जी के हाथ का स्पर्श करने का मौका तो मिलता। अरे इन पत्थरों से इन भाटों से जो हमारे से तो ज्यादा ये सौभाग्यशाली है जो भगवान राम खड़े होने के सहारे इस दीवार का सहारा लेते। सुंदर श्रवण सुचारु कपोला अति प्रिय मधुर कौतर है बोला, तोतली भाषा में बोलने लगे मामा 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 चिक्कन कच्छ कुंचित रघुआरे बहु प्रकारो जी माधु संभारे सुंदर कान बहुत ही सुंदर गाल जन्म के समय से रखे हुए चिकने घुंघराले बाल हैं जिनको माता ने बहुत प्रकार से बनाकर संचार किया। सुख संदोह मोह पर ज्ञान गिरा गौती दंपति परम प्रेम भस कर सुचरित पुनीत। महाराज दशरथ और कौशल्या राम जी की बाल लीला को देख करके दोनों बड़े आनंदित हो रहे। महाराज दशरथ का चित्र जो है राम में आकर्षित हो गया। अब तो उठते बैठते सोते जागते चलते फिरते राम ही दिखता है, राम के सिवा कुछ दिखता ही नहीं। राम ओ राम राम इधर आओ, राम इधर बैठ जाओ, राम उधर जाओ, राम ये लो, राम ये पकड़ो, राम वो करो, राम ये सो जाओ। महाराज दशरथ की अब स्थिति जो है राममय हो गई। सब गोपियां सखियां आनंदित हो रही है। प्रेम मगन कौशल्या निसदिन जातन जान सुत स्नेह बस माता बाल चरित करगा। प्रेम में मग्न कौशल्या की रात और दिन का बीतना नहीं जाने कब बीत गए। पुत्र के स्नेह माता और उनके बाल चरित्र का गान निरंतर करते। एक बार जननी नैना है करिष्ठ श्रृंगार पलना पोढ़ा है। आहा गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं बड़ी सुंदर चौपाई है। एक बार जननी नैना एक बार जननी अनवारे एक बार जननी अनवारे करे श्रृंगार पलना पोढ़ाए करी श्रृंगार पलना पोढ़ाए निज कुल इष्ट देव भगवाना निज कुल इष्ट देव भगवाना पूजा है तुरी असनाना पूजा है तुरी असनाना। श्री महाशल राम लखन को स्नान कराकर श्रृंगार करके पूजन अर्चन करके पलने पर सुलाया पलना झुलाया आंख लग गई और कौशल्या भोजनशाला की तरफ बढ़ी। तब आगे देखा राम और लखन घुटनों के बल पर एक दूसरे को पकड़ रहे हैं यहां वहां कोई बालक देखा। इहा उहा तुई बालक देखा इहा उहा तुई बालक देखा मति ब्रह्म मोर की आने विशेखा मति ब्रह्म मोर की आने विशेखा देखी राम जननी सुनाई देखी राम जननी
प्रभु हसी दीने मधुर मुस्कानी, प्रभु हसी दीने मधुर मुस्कानी, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। अब आप तो राम लखन में जगह सुला लाई हूँ, पल्ला में पल्लव झुला लाई हूँ, और अटे घुटनों ने बल पर रहमता वाले देख रही हूँ। मारी मति कभी मारी तो नहीं, भ्रमित तो नहीं होगी। दौड़ी दौड़ी पाची लाने गई तो पल्ला में राम लखन पोड़ रही आया, फिर दौड़ी दौड़ी आगे गई तो खंभे के चारों तरफ राम लखन एक दूसरे को पकड़ने की चेष्टा कर रहे। अरे वो कहीं हुई खड़ी अभिनय खड़ी अभिनय कौशल्या तो खड़ी पाची जावे पाची आवे पाची आवे पाची जावे। यहाँ वहां दो ही बालक देखा, इधर भी दो बालक उधर भी दो बालक देख रावा मात ही निज अद्भुत रूप अखंड, रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्मांड। बार बार कौशल्या की स्थिति को देखकर राम जी से रहा नहीं गया और राम जी ने झटपट जो है विराट स्वरूप प्रकट कर दिया। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय। अगणित रवि शशि शिव चतुरानंद बहुगिरि सहित सिंधु महिका अनेको सूर्य अनेको चंद्रमा अनेको शिव ब्रह्मा आदि आदि पर्वत नदियां समुद्र पृथ्वी वन काल कर्म गुण ज्ञान स्वभाव अनंत 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 स्वरूप का दर्शन करने के कौशल्या ने प्रणाम किया। मैंने मत दिखाओ बाप जी, बार बार कौशल्या भी नहीं करे कर जो अब जली कब हो व्यापे प्रभु मोहि माया तो बाप जी हमें वो आपका स्वरूप मत दिखाई दो। मोरत थे मंथाए थे ब्रह्म हो भगवान हो पर ते मारा बेटा हो, ते मारा बेटा हो पर ते बेटा बन नहीं गई जो हमें मने आ माया मत दिखाई जो आ माया थोड़ा ने रात और के नहीं दिखाई जो पड़ोसी ज्ञान दिखाई जो पर मने तो मत दिखाई जो बाप जी, क्योंकि मैं तो अपने आप में महसूस करूं कि साक्षात जगत नियंता ब्रह्मा ब्रह्म ने आज हमारे घरे बेटो बड़ा मैं उन्हें खिला रही हूँ पिला रही हूँ नहला रही धुला रही हूँ और गोदी में ले अपना दूध पान करा रही है। हमारी हमारे माते आप कृपा करो, चूड़ाकरण संस्कार हुआ, नए नए वस्त्र पहना कर प्रभु अब कुछ बड़े हो गए दौड़ने लगे, बाल समाज के बीच आकर नाना प्रकार के खेल खेलने लगे। भोजन करत बोल जबर आजा गोस्वामी तुलसीदास की कलम चलती। एक प्रसंग और आया, क्या है प्रसंग आइए हम सुनते हैं। भोजन करत चपल चित इत उत अवस रूपाय, भोजन करत चपल चित इत उत अवस रूपाय, भाजी चले मिल कथ मुख श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। भोजन करत बोल जब राजा, भोजन करत बोल जब
राजा राज कार्य से आए और कौशल्या से कहा, कौशल्य भोजन का थाल परोसो। और भोजन का थाल परोसा। बोले राम कहाँ है? बोले राम बाहर बाल समाज के बीच खेल रहा है। राजा गए दौड़े दौड़े, राम ओ राम, राम सुनो राम, भोजन कर लो राम, भोजन कर लो। बार बार राजा बोलते रहे पर बाल समाज में इतने घुल मिल गए हैं, राजा की आवाज कानों में पड़ी नहीं। या यूं यहां गोस्वामी की चौपाई का भाव देते हैं, भोजन करत बोल जब राजा, राजा होने का दावा कर रहे हैं कि मैं राजा हूं। राजा होकर के राम को आवाज लगा रहे, राम इधर आओ, राम इधर आओ। मानो कि राम कहते हैं तुम राजा हो और तुम्हारे बुलाने से मैं आऊं। ना ना, तुम कल राजा नहीं थे और कल राजा नहीं होंगे, आज तुम राजा होने का दावा करके मुझे बुला रहे हो। भगवान कहते हैं मैं नहीं आता, तुम साधारण से जीव बनो, क्योंकि जीव व्यक्ति जब तक अपने आप को जीव नहीं बनेगा तब तक उसके पुकारने से मैं दर्शन देने वाला नहीं। पद तो आज और कल नहीं, प्रतिष्ठा आज और कल नहीं, पैसा आज और कल नहीं, पर तुम जो है मेरे ऊपर थोप रहे हो कि मैं राजा हूं, इसलिए मैं तुम्हें बुला रहा हूं, इधर आओ इधर आओ। राम जी ने मानो कि कह दिया कि मैं नहीं आता, चलो जाओ वापस। राम महाराज दशरथ आए, महाराज दशरथ आए और कौशल्या से कहा, कौशल्य राम तो मेरे कहने से नहीं आ रहा है, तुम जाओ। तब चलिए कौशल्या, जब बोले की आवाज सुनते ही ठुमक 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 चलत राम पहनी, ठुमक चलत बाजे पहनी, ठुमक चलत, ठुमक चलत राम चंद्र बाजे Thank you.
तुरंत तो राम जी दौड़े दौड़े कौशल्या के पुकारने पर चले आए। जय हो। तुरंत दौड़े दौड़े आए चले थे, क्योंकि कौशल्या कौन है? भक्ति। भक्ति बुलावे और भगवान नहीं आवे, ये हो ही नहीं सकता। इसलिए भक्ति की पुकार में दम है, क्योंकि स्वयं भक्ति है। इसलिए भगवान बाल समाज का त्याग करके झटपट दौड़े दौड़े मां के पास में आए। मां ने सारे वस्त्र झाड़े, साफ सुथरे किए और उन्हें राजा की गोदी में बिठाया। Yeah.
राजा की गोदी में राम बैठे भोजन कर, राजा का ध्यान गया तुरंत, ओहो राजकार्य में विलंब हो रहा है, राजकार्य में विलंब हो रहा है, देरी हो रही है, झटपट भोजन करने लगे। भगवान राम समझ गए जिनकी गोदी में मैं बैठ गया हूं उनका ध्यान मुझ में ही होना चाहिए, उनका चित्त मुझ में ही होना चाहिए, उनके सोच विचार सब मुझ में ही होना चाहिए, पर जिनकी गोदी में मैं होते हुए जिसका ध्यान बाहर भटक रहा है, दूर दराज भटक रहा है, भगवान उसके लिए कौन हो गए? भगवान को गौण समझ करके संसार संसार के साधनों को जो महत्व देता है वही मूढ़ व्यक्ति है। अरे भैया भगवान से ही संसार संसार के साधन है, इसलिए भगवान हमारे जीवन की सर्वोपरि है, वे हमारे सब कुछ है। वे जब तुम्हें सहज में प्राप्त हो गए हो तो हमारा ध्यान चिंतन मनन सब कुछ भगवान में ही होना चाहिए, भगवान के सिवा हमारा ध्यान कुछ नहीं होना चाहिए। पर राजा का ध्यान, भगवान राजा की गोदी में बैठे हैं फिर भी ध्यान कहां गया? राजकार्य में गया। इसलिए झटपट भोजन करत चपल चित इत उत अवसर उपाय। जब राजा ध्यान भंगित हो गया तब जो है राम जी झटपट इधर उधर देखकर और चुपके से गोदी में से उठकर भाग गए, दही और चावल से सना हुआ कवल लिए हुए, दही और चावल से सना हुआ कवल है हाथ में और तुरंत वहां से भाग गए। बाल चरित अति सरल सुहाए शांत शेष संभुति गाय। महाराज ऐसी अनंत अद्भुत लीला है, सबको आनंदित करने वाले। भगवान थोड़े बड़े हुए, चारों लल्ला तैयार हुए, राम लखन भरत शत्रुघ्न और बड़ी प्रसिद्ध चौपाई है, गुरु गृह गए पढ़न रघुराई। अल्पकाल गुरु गृह गए पढ़न रघुराई, गुरु गृह गए पढ़न रघुराई, अनप कार गए पढ़ने रघुराई, वहां गुरु के घर जाकर के विद्या अर्जन किया, राम ने किया, लखन भरत शत्रुघ्न ने किया।
और अल्प काल में, समय निश्चित नहीं है, पर अल्प काल में सारी विद्याओं में पारंगत हो गए। वैसे तो भगवान के श्वास से ही सारी विद्याएं प्रकट हुई है, भगवान के श्वास से ही जो है सारी कलाएं प्रकट हुई है, फिर भी मानवीय रूप धारण करके हमको ये दर्शाते हैं कि बिना गुरु कृपा के, बिना गुरु के सानिध्य से हम अपने जीवन में कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते हैं। इसलिए हम जीवन में चाहे भक्ति प्राप्त करें, चाहे भक्ति प्राप्त करें, चाहे मुक्ति प्राप्त करें, ये सब कुछ साधन हमको कहीं मिल सकता है तो केवल गुरु के चरणों में मिल सकता है। इसलिए गुरु जीवन में सर्वोपरि, जीवन में गुरु सर्वोपरि, गुरु की भक्ति करो, गुरु की सेवा करो, गुरु का ज्ञान अर्जन करो और गुरु के ज्ञान को अर्जन करके अपने जीवन में आत्मसात करने का प्रयास करो। इसलिए राम जी ने यहां गुरु के चरणों की सेवा करके विद्या अर्जित किया और ये शिक्षा, ये मार्गदर्शन हम सभी को प्राप्त हुआ। जीवन में गुरु होना चाहिए, तभी गुरु की कृपा हमें प्राप्त होती है। कल्प वृक्ष गुरुदेव कल्पना दूर निवारे, भी चिंता मणि भाई चितवनि रंग उदारे, भक्ति मुक्ति दाता शंख कछु नहीं ताके, अष्ट सिद्धि नव निधि रहे चरणानित जाके, काम धेनु हर कामना करे कुबेर निहाल, यो राम चरण गुरुदेव में सुर तरु हो मने जाके। दत्त नारद सुखदेव से और सभी अवतार, दत्त नारद सुखदेव से और सभी अवतार, राम चरण गुरु को करे वंदन बारंबार, सतगुरु को मस्तक धरे राम भजन सुप्रीत, राम चरण में प्राणिया गया जमारो जी। तो ये सब गुरु की कृपा के बिना तो संभव नहीं है, तो जीवन में गुरु की आवश्यकता है। नाना प्रकार की विद्या विनय गुण शील आदि गुणों को प्राप्त करते हैं, विद्या अर्जन करके वापस आते हैं, तब सबको एक बहुत बड़ी सीख देते हैं, प्रातः काल उठ के रखना, प्रातः काल उठ के रखना, प्रातः काल उठ के रखना, पिता गुरु माता, माता पिता गुरु माता, आयुष मागी करहि पुरखारा, आयुष मागी करहि पुरखारा, एक चरित्र हरषि मथरा, हरे जा रहे हैं, ये सबके घर में होने चाहिए। दादा दादी नाना नानी मामा मामी काका काकी जो भी घर में बड़े लोग हैं उनसे मेरा आग्रह रहेगा कि आपके अपने घर के छोटे छोटे बच्चों को सवेरे उठकर के सबसे पहले धरती माँ को वंदन करा के मात पिता और गुरु के चरणों में धूप दिलाओ, प्रणाम कराओ। जो भी घर में बड़े लोग हैं उनको प्रणाम करवाओ, बड़ों का आशीर्वाद मिलेगा। अभिवादन सुशील से, अरे बड़ों को प्रणाम करने से आयुर्विद्या यशो बलम, आयु विद्या यश और बल ये चारों प्राप्त होते हैं। क्या आप और टाबर बहुत लंबी उम्र वालों नहीं चाहिए कहीं चाहिए क्या?
तुरंत पढ़े नहीं याद हो जावे, जो कुछ पढ़े ने एक बार में याद हो जावे। बताओ एड खान बैठो चीजें, बल में अधिक होना चाहिए, बल भी चाहते हे चाहो के मारे छोरा ने चारों तरफ यस यस मिले। आज ये राम नारायण जी या ये गंगा राम जी चारों भाई जो है, इनके माता पिता ने इनको पढ़ाया लिखाया होशियार किया संस्कार दिए, ये अपने जीवन काल में बड़े बुद्धों को प्रणाम करते थे, नमस्कार करते थे, आदर भाव रखते थे। इन संस्कारों से आज इन लोगों की ख्याति चारों तरफ बढ़ी नहीं बढ़ी? बढ़ी ना। आज अपने आनंदीपुरा गांव का सिर ऊंचा है क्योंकि ऐसे पढ़े लिखे ग्रेजुएट लोग बड़ी बड़ी पोस्ट पर रह करके हमारे आनंदीपुरा गांव का नाम ऊंचा किया है। इसलिए भाई हम भी अपने बच्चों को संस्कार दें। कौन से संस्कार? कुछ भी संस्कार नहीं, बस एक ही संस्कार, मात पिता गुरु नावरी माता। मैं भी जब अंदर आ रहा था, मैं बार माइन आयो गाड़ी उतर छठा छठा टबरिया, गुरुजी धोग दू, गुरुजी धोग दू, गुरुजी धोग दू, छोटे छोटे बच्चे भी शीश नमाने। ये आप लोगों के दिए हुए संस्कार है जिसका पालन अभी मैंने अक्षर से देखा। अब उनको कहा नहीं कि भाई प्रणाम करो प्रणाम करो, मेरे को देखते ही तुरंत सब दौड़ करके आ गए, छोटे छोटे बच्चे, अबोध बच्चे, शायद दो दो साल के बच्चे, वो सब आकर के धोख देने लगते। तो ये संस्कार कब पड़े घर में बच्चों में? बड़ों को ये संस्कार करते हुए देखा। इसलिए बड़े लोग भी आपसे जो और बड़े उनको प्रणाम करो, बच्चों को साथ ले लो, नैतिक शिक्षा देना जरूरी है, संस्कार देने जरूरी है। जहां आचरण और संस्कार जिस घर में नहीं है महाराज वह घर राक्षस है। आचरण अच्छा होना चाहिए, सदाचार का पालन होना चाहिए और संस्कार बढ़िया होने चाहिए। ये रामायण हमें संस्कार ही तो सिखाती है, ये रामायण हमें जो है सदाचार ही तो सिखाती है, ये रामायण हमें नैतिक मूल्य ही तो सिखाती है। ऐसे संस्कार हम यदि अपने जीवन में प्राप्त कर लें तो जीवन धन्य हो जाता है। मैं कभी शहर में गए हो, मारा तो भाई काम हमेशा हो ही जाए कि गांव में कभी शहरों में कभी देश में कभी विदेशों में तो कथा करने जावा। तो एक जगह कथा में मैंने एक डोकर आयो मुनी जी और है वो, तो पहले वो घास लेट रो डब्बा में मैंने तेल डालता के जो कीमो आओ तो कीमो जो भी बुढ़ा ज्यादा तो मैं वहां किमो लगान कहो यू धोनी जाए मैंने तो मैं वहां कहो बास आया थे क्यों अटे भीड़ भेड़ी करो थाने होनी चाहिए कोई बात नहीं है तो क्यों आओ जरा एक बात कही। अरे बाप जी मैं मारे वास्ते को नहीं आओ इन कथा रे मायने में मारे वास्ते नहीं आओ, मने तो भी पल्ले ही नहीं पड़े पर मैं इन्हें पोता ने पड़पोता ने जो लाऊ हूं इन्हें कम से कम रोज लाऊ तो इन्हें संस्कार बढ़ जावे। कहीं बढ़ जावे संस्कार बढ़ जावे। तो कहना अभिप्राय है कि भाई आप भी अपने बड़ा बुड्ढा लोग छोटे छोटे बच्चों ने ऐड आयोजन रे माइंड में साथ लाओ और बैठाओ
उन्हें पहले आओ की धोख दिलाओ और जितना बड़ा लोग है उन्हें सबने धोख दिलवाओ। ए जो करी जो देखी जो आप जीवन में अपनाई और बड़ा होया रे बच्चे ए संस्कार पालन कर। अब थे ही बड़ा गुंडा यदि अरे हम अरे हम है टाबरी अरे हम है ऐसा बटी नहीं देखो ये हो गई लाइन में मम्मी ये थोड़ा बहुत है कदे कदे हवाई फायर हो जावे है एक महाराज लेकिन कोई चेलो जना कोई भगत आयो पूछियो बाप जी थोड़ा चेलो कटे गयो ये कहीं होगा बच्चा कहीं हवाई फायर करने गया यहाँ कहीं होगा बच्चा हवाई फायर करने गया। तो रामनारायण जी और रामनारायण जी तो हवाई फायर करियो अब कितो करो कि आज छोड़ दे वो है पक्की बात मारो आनो सफल हो जाएगी। यदि देव हवाई फायर करना बीड़ी सिगरेट पीना छोड़ दिया तुम्हारी यहाँ कथा सार्थक हो पक्की बात श्योर बजाओ ताली बहुत अच्छी बात हा क्या बात है रामनारायण जी की बेटी ने अरे लुगाई दाजी होगी तो मन बस अब कई जना मैं कटी जाऊं के जना है लुगाए नहीं राजी हो जावे और पता है मैं यूं हसमुख रहूं मोटो ताजो रहूं ठंठाई ने राज कही है मैंने कई जना पूछे बाप जी देता हसमुख रहो इतना मोटा ताजा रहो चक्कर कही है कई खाओ मैं खाऊं हूं कहीं बोली देवियां राजी हो और देवियां राजी हो तो देवियां आपने घर में पाठ पूजा करी नहीं जनवा भला ईजो बाप जी हो नरे बाप जी ने खूब हाजा हरा राग जो मोटा ताजा राग जो बढ़िया ओ सुनावे और लोगों ने सुधारे ऐडी बात ए करे जिन कारणों में मोटो ताजो रहो। हम गंगाराम जी और में आ गया कई कोनी लगो भी लंबो है ओचो लंबो आरो अब आज देखो भाई ते राम कथा करवा रही हो भागवत कथा कराने वाला वह तो संकल्प लियो देखो इतना जनर बीच में थे संकल्प लियो और कभी धन पीता हम देखे हमने देख लिया धन लुगेरी सुख में अब थे उसको पीणो छोड़ो कोशिश तो देखो यू है एक बात कहूं मैं धीरे धीरे छोड़ोगे तो धीरे धीरे छोड़ोगे हमारे कोई आग लग गई है और आग में मायने थे कलीज गया हो और मैं थाने को नहीं नहीं धीरे 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 बाहर निकल गए तो धीरे धीरे निकलोगे बाहर क्यों आग में बढ़ता है तुरंत बाहर भागो भाग गए तो आग लगा लिया होते इन्हों में धीरे धीरे कहीं छोड़ो कहीं धीरे धीरे कोशिश करो इन आग तो तुरंत बाहर निकलो संकल्प लो कि आज के बाद हमको इस तरह की व्यसन प्रवृत्ति से हमको नहीं रहना है व्यसन प्रवृत्ति से मुक्त होना है तब ये राम कथा जैसा आयोजन कराना हमारे जीवन के लिए सार्थक हो गया ठीक है सर पक्का श्योर लोग कर दिया जाए ठीक है बहुत अच्छा बजा दो ताली गंगाराम जी देखो भैया मुझे आपके बैठ भी नहीं चाहिए मुझे आप लोगों का मान सम्मान नहीं चाहिए मुझे आप लोगों का वोट नहीं चाहिए नोट भी नहीं चाहिए सपोर्ट भी नहीं चाहिए पर मुझे आप लोगों की खोट चाहिए। क्या चाहिए? आप लोगों की खोट। खोट या दे दो ना मैं वोट के लिए आया
ना नोट के लिए आया, ना सपोर्ट के लिए आया, मैं केवल आप लोगों की खोट पाने के लिए आया हूं, ताकि आप खोट यहां ग्रंथ के चरणों में समर्पित कर दोगे, संकल्प ले लोगे, आज के जीवन, आज के बाद मेरे जीवन में अब किसी तरह की कोई खोट नहीं होगी, तो हमारा आना सार्थक हो गया और यही हमारी भेंट मिल जाए। और भी अड़े जीता बेटा काले को जर्दो छोड़ियो है, काले को जर्दो छोड़ियो, क्यों छोड़ियो, ये अराई वाला छोड़ियो, कौन बेटा मारे कने जर्दो खायो, बच्चे नहीं खायो, पक्की बात, हमें जेब में तो कौन नहीं आऊं मैं हमारू बाया भी कम नहीं हो, बाया भी कम नहीं है, पर तंबाकू रह गया कर तंबाकू, कने कने राख लिया गया, हाँ वीडियो नहीं किए मन था, मैं ब्यावर में ब्यावर रामदार में कथा करूं तो बटे वीडियो बना मैं, और वीडियो बनाती जाऊं कथा होती जाऊं, और लारे जो चौक है उन चौक में मैंने कई बयाने में बिड़िया पीता उन्हें देखा, अब आर भी हटे एक दिन जो है शुरुआत के दिन कथा रामायण एक बार सा बीड़ी पीवन लाई गया, मैं क्या भाई साहब कथा स्थल है आपने बीड़ी पीवनी तो भरे जाओ बरा, पर मैं पच्चे नंबर ले, अब आज नंबर ले मैं कहीं है ही नहीं पास है वो नहीं आई वो नहीं, अच्छा 106 साल वाला, ओ 106 साल वाला तो भाई माया माया थे लोग भी कदी कदी भाई फैर करता हो तो फिर मत कर दे बापुड़ा, हाँ ये भाई फैर करते करते मोटी होगी माया, मैंने थारी एक चीज अच्छी लगती है सोनारी जो की नहीं नाक वाले आ मोटी तगड़ी, अलग अलग देश रो अलग अलग गांव रो पहना हुआ है, तो आप ये संस्कृति है बहुत अच्छी बात है, पर भाई जी पक्की बात नहीं छोड़ दे, नहीं छोड़ो ले भाई, भाई हाँ भाई हाचा नहीं बोल तो मने छोड़ो, मने छोड़ दो, पर मारे बीड़ी नहीं छूटे, कोशिश करो इस तरह की लत पड़ना शरीर के लिए हानिकारक है, स्वास्थ्य बिगाड़ा होता है, कैंसर जैसे बीमारियों से हम पीड़ित हो जाते हैं, बीमारियों को हम मौत को हम बुलावा दे रहे हैं इस तरह के व्यसन करके, इसलिए भाइयों बहनों आप लोगों से आग्रह है, मैं चाहूं कि आनंदीपुरा गांव व्यसन मुक्त हो जावे, कोई किसी तरह दारू नहीं, सिगरेट बीड़ी नहीं, तंबाकू नहीं, जाटरो गांव है जाटरो, अच्छा एक बात बताओ मैंने एक और याद आई, अमल कौन कौन पीवे लारा के देखो, कौन है छोड़ दियो, खूब है खूब है, सौ में सौ जगह पीवे, ओ महाराज हाची कहती हुई जना ही मैं देख के बैठा हमारे कथा में भीड़ क्यों बोलते, यदि गंगा राम जी इन कथा रामायण अमल भी व्यवस्था कर देता तो मन लागतो कि अटे 1000-2000 कई को ठेठ पूरा बारे स्कूल लो ग्राउंड वगैरह सब फुल हो जाओ, यदि अमल भी व्यवस्था कर देता तो आई हची बात है, अरे राम राम राम, अच्छा खाओ अच्छा पियो अच्छा बोलो, मीठा बोलो नम चलो लेव भलाई कम,
मुरली पिता के जीवना नदी नाव को सोच मुरली राम जी महाराज आया वह आ बात कही भाई मीठो बोलनो अच्छो चलनो किनी तरह कटु व्यवहार नहीं करनो थारी मारी नहीं करनी लड़ाई झगड़ा नहीं करना और किनी तरह दुष्ट व्यसन नहीं करनो इन व्यसन से मुक्त हो किनी तरह नशो नहीं करना बस जाटा रो गांव बताओगे थाने जयपुर कने चाकसू चाकसू रे कने कोथुन और कोथुन रे कने एक छोटो सो गांव है महाजनपुरा महाजनपुरा है प्योर जाटा रो गांव है और आपने आश्चर्य हो ना रामस्नेही संप्रदाय के आदि आचार्य स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज आज से 300 वर्ष पहले उस गांव महाजनपुरा के पास में बडली गांव में पधारे वहां उपदेश दिया कि राम भजन कर लो नशो नहीं कर लो पान तंबाकू सेवन नहीं कर लो आज तो 300 वर्ष पहले उपदेश दियो उन्हो पालन बड़ली महाजनपुरा रा गांव आज तक उन्हो पालन कर रहा है और दोनों गांव में किनी तरह को नशा पता नहीं दुकान ही खोली दुकान ही खोली है ये आज भी प्रमाण अभी कुछ दिन पहले दैनिक भास्कर के अखबार में आया था अभी कि इस तरह का गांव जो व्यसन मुक्त गांव है आप लोग चार जने इकट्ठे होकर के मेरे इस आनंदीपुरा गांव को संवारने के लिए सुधारने के लिए इसे आदर्श बनाने के लिए इसे व्यसन मुक्त करने का एक आंदोलन जागृत करो ताकि जन जागरण अभियान करोगे तो इसका जरूर आप लोगों को सफलता मिलेगी और आनंदीपुरा गांव व्यसन मुक्त हो जाएगा ठीक है अब थे पीजो मती कोई भी और आज उठे 5-10 जना जगह नहीं पीवे नहीं वे जगह मजबूत हो और घर घर जान व्यसन छुड़ाने नशो छुड़ाने रो उपयोग कर जाता प्रयोग कर जाता मैं गुजरात है बड़ोदार कने पादरा गया बड़ा आचार्य श्री हा शाहपुरा राम राम किशोर जी महाराज तो राम किशोर जी महाराज की सेवा में मैं भी मारे एक संत है जो पुष्कर में रहे गोपाल दास वे भी आते और भी घणे संत था तो मैं पता बता है किन अटे गया मनु भाई मुरार भाई देसाई मनु भाई मुरार भाई देसाई जो देसाई बीड़ी वाले हम उन लोगों के वहां गए तो वो अपने फार्म हाउस में लंबे चौड़े खेत को दिखाया तो कोई संत पूछ रहे बाड़ो बाड़ी कोनी बाड़ कोनी बाड़ होनी चीजें नहीं तो रोज आ जावे गाया भैंसे आ जावे चीज ने बिगाड़ दे कर देवे तो मारे वे गोपाल दास जी संत है वे बोलिया आट बाड़ रे कई जरूरत है आट चीज एडी उगड़ी है जिन्हें गदा ही कोनी खा जाए एडी अटे चीज उगरी है जिन्हें गदाई को नहीं खावे है बताओ अब समझ जाओ तंबाकू उगियोड़ो अब तंबाकू ने गदाई को नहीं खावे है और ए देखो मिनक खावे है अब गदा हम गया बीता हो अब थाने में कई कहूं ज्यादा ज्यादा कहने की जरूरत को नहीं थे समझ जाओ प्रात काल उठ के रघुनाथा मात पिता गुरु नावै माथा बच्चों में संस्कार दो उन्हें जागृत करो बच्चों को यशस्वी बनाओ तेजस्वी बनाओ होनहार बनाओ उनके अंदर छिपी प्रतिभा को जागृत करके मेरे गांव का बहुत बड़ा आईएएस आईपीएस उसे बनाकर देश की सेवा के लिए समर्पित करो अरे हमारे जाटों में आपके तो क्या मारवाड़ के क्षेत्र में जो जाट लोग हैं उन जाटों के परिवार के लोग
अपने बच्चों को तैयार करके देश की सेवा के लिए समर्पित करने वाले लोगों को देखा मैंने। आप में से भी कई ऐसे होंगे जो देश की सेवा के लिए समर्पित हैं। माओ ने अपने अपने बच्चों का त्याग करके बलिदान दे करके बच्चों को जो है देश की सेवा के लिए समर्पित करने वाले ये वो जाति है। इसलिए आप लोग मजबूत होकर संस्कारित होकर अपने बच्चों को राष्ट्र धर्म और राम धर्म की सेवा के लिए लगाकर अपने बच्चों को समर्पित कर दीजिए और देश का नाम रोशन करें, अपने गांव का नाम रोशन करें। ऐसी आप सबसे अपील है। विश्वामित्र जी महाराज सरयू नदी के किनारे आया, राजा ने ठा पड़ी, परिवार सहित सामने गया लेने वास्ते, अगुवाई करी और महल में ले आया। मुनि आगमन सुना जब राजा, मिलन गयों वे ले विप्र समाज, विप्र समाज के साथ विश्वामित्र जी चरणों में जाने प्रणाम, विविध भांति भोजन करावा, चरण पखार केमी अति पूजा, सोमम आज धन्य नहीं पूजा। आइए मेरे पास जीवन में एक संत आया है विश्वामित्र जैसा, परिवार सहित दंडवत प्रणाम करते हैं, ये संस्कार सीखने की जरूरत है। संत में आया ने देख तुरंत दंडवत प्रणाम करना लंबा हो, राम से संप्रदाय में दंडवत प्रणाम का विधान है, साष्टांग दंडवत प्रणाम, मानो कि सूर्य उपासना का एक प्रतीक है ये दंडवत प्रणाम। राम ने संप्रदाय शाहपुरा में हजारों हजारों नर नारी को प्रणाम करते हुए देखते हैं। पद यात्री आते हैं टोंक साइड के, महाजनपुरा साइड के, टोंक जिले के, मालपुरा केकड़ी साइड के जो लोग वहां पद यात्री जो आते हैं फिर बाहर से प्रणाम करते हुए निकल जाते हैं। आचार्य श्री जी जब भी शाहपुरा में पधारते हैं तो बाहर गेट से प्रणाम करते हुए छेक अंदर धाम में जाएंगे, दर्शन करेंगे, रहेंगे, विराजेंगे और जब शाहपुरा से वापस प्रस्थान करेंगे तो उल्टी प्रणाम करके वापस बाहर करेंगे। बिना प्रणाम के अंदर नहीं आ सकते और बिना प्रणाम करिए बिना वापस जा नहीं सकते, ये विधान है। तो एक समाज का इतना बड़ा व्यक्तित्व, इतना बड़ा पराशीन जो प्रणाम करते हुए जाता है और वापस प्रणाम करते हुए बाहर निकलता है, तो साधकों प्रणाम की बहुत बड़ी भारी महिमा। विश्वामित्र जी को देखकर सभी ने दंडवत प्रणाम किया, चरण प्रक्षालन किया, आज अपने आप को धन्य समझने लगे। चरण पखारी कीनी अति पूजा,
चरण पखार कीने अति पूरा मौसम आज धन्य नहीं दूजा मौसम आज धन्य नहीं दूजा विभद माती भोजन कर मावा चरण पखार करके चरणों तक लेकर और अपने आप को धन्य समझते हुए नाना प्रकार से भाव से भोजन बनाकर मुनि को संत को भोजन कराने लगे और विश्वामित्र जैसे मुनि संत ने भी बड़े आदर के साथ हर्ष के साथ भोजन को पाया और आनंदित हो गए। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं आगे पुनि चरणनी मेरे सुत जारी पुनि चरणनी मेरे सुत जारी राम देखी मुनि देह बिसारी राम देखी मुनि देह बिसारी भय मगन देखत मुख चारों बालकों राम लखन भरत शत्रुघ्न मुनि के चरणों में पटक दिया संत के चरणों में। बाप जी ये आपका टावर। विश्वामित्र जी ने सबको आशीर्वाद दिया राम का दर्शन किया तो महाराज चकोर की भांति टकटकी लगाए हुए देखते रह गए और देह विसारी देह की सुरबु दुख हो गए लागे कि साक्षात भगवान धरती पर उतर आया। लोग कहे कि ब्रह्म है हाचणी ब्रह्म भया मेरे देह को विसारने वाले ऐसा अद्भुत चेहरा है इसका मतलब 25% तो मैं ही इनको साबित कर देता हूं कि ब्रह्म है। राजा के बाप जी अब आप कारण बताओ टिक्की कर आया आजकल नहीं घर में घुसे ही नहीं उन्होंने पहले घरवाला पूछा क्यों सा किकर आया आ अपनी संस्कृति नहीं है अपनी संस्कृति कहीं है आओ सा पधारो सा विराजो सा भोजन जल पानी करो सा और संतुष्ट कर धीरे से संकोच और पूछो क्यों किकर प्रधान हो जाओ किकर प्रधान हो जाओ कई कारण हमें कारण बताओ। तो राजा पूछ तो विश्वामित्र जी केवल असुर समूह सता हो गई असुर समूह सताव रही मोही असुर समूह सताव रही Thank you.
असुर समो सतावहिं मोहि। संत स्पष्ट वादी है, जो बोलता है मुंह पर बोल देता है। संत को किसी से लाग लपेट नहीं है, डर नहीं है। आज मैंने आपको बीड़ी सिगरेट हुक्का छुड़ाने के लिए कहा, मेरे को भी लाग लपेट नहीं है। ये आपको अपनी आदत सुधारनी पड़ेगी, तो आपका जीवन आदर्श बनेगा, तो और आपकी इस आदर्श संस्कार को, जीवन को हमारे बच्चे देखेंगे तो वो भी आपका आदर सम्मान करेंगे। नहीं तो बड़े होकर के भी आपका ही अनुसरण करेंगे, वही बीड़ी सिगरेट और हुक्के पिएंगे। इसलिए यहां पर विश्वामित्र जी ने, देखो राजन, पहले तो राजाओं का कर्तव्य है, कई कर्तव्य उठाए। आस पास का जितना भी आश्रम है राज्य में, उन आश्रमों की देखभाल करनी, जो कमी पैसी लागे उन्हें पूर्ति करने रो काम राजा रो है। देखो भाई, मैं साधु संत ब्राह्मण हा, ये मारे ब्राह्मण बैठे, मैं साधु संत हा, पर मैं एक बात कहूं, धने ए ब्राह्मण है साधु संत, एक किन वास्ते जीवे से, कुदरे वास्ते जीवे गए। ए चंद्र प्रकाश जी ने, पंडित जी, ये आप कुदरे वास्ते पाठ पूजा करेंगे, कुदरे वास्ते माला फेरेगी, खुदरे वास्ते कोई खटकर्म करेगा ही? ब्राह्मण जो कुछ भी खटकर्म करता है, पूजा अर्चना करता है, पाठ पूजा करता है, वो समाज के लिए करता है। ब्राह्मण जीता है तो समाज के लिए जीता है। जो कुछ भी भला करता है वो सब समाज को प्रदान करता है। हम साधु संत भी समाज को सुधारने के लिए, समाज को संस्कारित करने के लिए, समाज को विकसित करने के लिए, समाज को सुशिक्षित करने के लिए हम लोग इस व्यासपीठ का उपयोग करके हम संस्कार देने की बात करते हैं, धर्म की रक्षा करने की बात करते हैं, तुम्हारे जीवन का निर्माण करने के लिए हम संदेश देते हैं जो शास्त्रों में बात है। ये किस लिए? ताकि समाज सुधरे, समाज सही पथ पर चले, समाज को नई दिशा मिले, समाज भटके नहीं। यदि ये संत न होते, ब्राह्मण न होते, तो महाराज ये समाज कभी कब भटक जाता। ये संत न होते, संतदास जल भरता संसार। स्वामी संतदास जी महाराज हो जा है दांतड़ा पास में, तो दांतड़ा जो आचार्य हो या, वे स्वामी संतदास जी महाराज आपकी वाणी में कह रहे हैं, संत न होते संतदास तो जल मरता संसार। इसलिए संत समाज को सुधारने के लिए, संस्कारित करने के लिए, शिक्षित करने के लिए, उन्हें एक नई दिशा देने के लिए संत होते हैं, और इसलिए वो जीते हैं। अच्छा, जब ब्राह्मण साधु संत समाज के लिए जीते हैं और समाज के लिए कुछ करते हैं, तो समाज का कर्तव्य क्या होता है? साधु संत ब्राह्मण के भरण पोषण की समुची व्यवस्था समाज को करनी चाहिए, इनकी रोजी रोटी के लिए। आज कपड़ा किसका दिया हुआ? समाज का दिया हुआ है। अंदर जल जो पेट में जा रहा है वो किसका दिया हुआ है? समाज का दिया हुआ है। हम जब समाज की दो रोटी खाते और कपड़ा पहनते हैं, तो हमारा अपना कर्तव्य होता है समाज को नई दिशा देने के लिए। हम कोई संदेश, कोई अच्छी बात आप लोगों के सामने रखें, कोई सुधारने की बात आप लोगों के सामने रखें। किस लिए? क्योंकि समाज की रोटी और कपड़ा पहन रहे खाते पे। तो यहां आते विश्वामित्र जी कहवे, वाजे हे जो है पुत्र, मो में इतना पागल हो गया, दीवाना हो गया हो, साधु संतारी वर्तमान में कई स्थिति हो रही है, धन ढाई गोनी आश्रम और कई दुर्दशा हो रही है। ए राक्षस लोग आया है जो है यज्ञ में विध्वंस कर रहा है, संस्कृति में त्रोड़ मरोड़ रहा है। ए नमस्ते राजन, अनुज सहित रघुनाथ, अनुज समेत देव रघुनाथ। राम जी तो अमीबा दिया है,
पर अनुज भले आप भरत को दो, चाहे लखन को दो, चाहे शत्रुघ्न को दो, किसी को भी दो, पर राम अभिमान देहुं धूप मन हर सिद्ध तजहुं मोह अज्ञान धर्म सुजस प्रभु तुम को इन कह अति कल्याण। हे राजन प्रसन्न मन से इनको दो, मोहर अज्ञान को छोड़ो। हे स्वामी इसमें तुमको धर्म और सुजसों की प्राप्ति होगी और परम कल्याण। राजा मोह में बंद रहे, मैं भरत शत्रुघ्न को दे सकता हूं, शत्रुघ्न लखन को दे सकता हूं, भरत लखन को दे सकता हूं, पर राम को नहीं दे सकता। राम मेरा प्राण है, राम मेरा जीवन है, राम मेरे जीवन का आधार, राम मेरा सर्वस्व है, राम मेरा सब कुछ है, इसलिए मैं राम को नहीं दे सकता। राम मेरे सब कुछ है। वशिष्ठ जी समझाया, अरे राजा तो कई करे विश्वामित्र जी, हमारे पारो चढ़ गयो नहीं तो हमारे एन बंटर डाल हो जावे तारा। एक गैली पुणा बात मत कर, चौथी अवस्था होगी है। अच्छा एक बात बताओ राजन, तारे संतान कितनी है? बोले चार। कई उपाय करियो जो चार संतान हुई? बोले यज्ञ करियो जना। यज्ञ करने से थारे चार संतान हुई, तो ए विश्वामित्र जी कितनी संतान मांगे? बोले दो। किन वास्ते मांगे? बोले यज्ञ री रक्षा। जिन यज्ञ री कृपा सो थारे दो नहीं चार संतान हुई है, उन्हें यज्ञ री रक्षा करने रा वास्ते थारे चार नहीं दो ही संतान मांग लिया है, तो दे दे। और जिन सभा में, जिन परिवार में, जिन समाज में यदि गुरु ने जो कह दिया वो लौ की लकीर है, इतना गुरु का सम्मान होना चाहिए, इतना गुरु का आदर होना चाहिए। अब तुम्हारा मुंह भले कितना ही खतरनाक हो, पर गुरु ने कह दिया, उस आदेश का पालन करने के लिए उस मोह का त्याग करना ही पड़ेगा। इसलिए राम लखन विश्वामित्र जी की सेवा में भेज दिया और अपने अपने माताओं से आज्ञा लेकर विश्वामित्र जी रहते राम और लखन गया। ताड़का मिली, एक ही बाण प्राण हरि लीना, दीन जान कही निज पद दीना। एक ही बाण रामायण ने ताड़ कर वध कर दियो, 25% मिल गया गांव ब्रह्म है। पहले 25% स्वरूप में दे गए पागल हो गया और अटे ताड़ कर वध करे तो 25% दे 50% हो गया। कई प्रकार की जो है कलाओं रूप अटे प्रदर्शन करियो। विश्वामित्र जी ने आदेश दियो कि यज्ञ करो, बड़ो भारी यज्ञ प्रारंभ हुए। यज्ञ प्रारंभ हुए तो मारा धुआं आकाश में जावे, जैसे धुआं आकाश में जावे तो मारे जो स्वभाव ने ठा पड़ी, मारे जो स्वभाव आया यज्ञ ने बंद करने वास्ते, द्वार माते राम लखन बैठ खड़ा हा, बाण ताणियोड़ा, धनुष बाण ताणियोड़ा, और जैसे स्वभाव सामने आया दियो एक बचड़ो दोनों विश्वामित्र जी ने यज्ञ संपन्न कर लिया। बड़े आनंद के साथ संपन्न हो गया, सत्कार हो गया। एक धर्म की रक्षा करने के लिए, एक संस्कृति की रक्षा करने के लिए, एक यज्ञ की रक्षा करने के लिए राम लखन की जवानी, संत सेवा और राष्ट्र सेवा और संस्कृति बचाने के लिए समर्पित कर दी। थे तो काम करियो, आगे धनुष बंद और हो गया, वो भी धनुष यज्ञ ही है। हलो आगे धनुष यज्ञ मुनि रघुनाथ रघुपुरनाथ हर से चले मुनिपुर के साथ चलो। अब आ कहते हैं विश्वामित्र जी के आगे धनुष तोड़ना है, शादी करनी है, माँ बाप रे आज्ञा को नहीं है। इन वास्ते विश्वामित्र जी सुधारण के कई धनुष यज्ञ है। जब आप यज्ञ की रक्षा करने के लिए बाहर निकल ही पड़े हो तो आगे जनकपुरी में धनुष यज्ञ है, बटे भी थे जाओ,
वटे भी बड़ा बड़ा असुर है, अटे मारी चो सुबह हुआ वटे बड़े प्रतापी राजा आया जिनमें अहंकार रूपी निशाचर भाव पर आप चलो बेटा चलो आगे चलिए। आश्रम में एक दीख मगमा आश्रम एक दीख मगमाई आश्रम एक दीख आश्रम दिखा, आश्रम सुना साना दिखा, जटे कोई जीव जंतु नहीं हो, किनी तरह कोई यज्ञ संस्कृति प्रवृत्ति नहीं। मुनि ने पूछा महाराज आशीला किनी, मने ने इतिहास बताया। विश्वामित्र जी केवल ला गया, सकल कथा मुनि कहा विशेष। देखो भाई, गौतम ऋषि रो आश्रम है। कोई समय में गौतम ऋषि के सानिध्य में अटे बड़ा भारी यज्ञ तप व्रत उपवास दान धर्म अनुष्ठान हो रहा, अनेक जीव जंतु पशु पक्षी अटे पल रिया, हजारों हजार ऋषि मुनि अटे बैठे तप माला फेरता स्नान करता है। पर महाराज गौतम पत्नी अहिल्या रूप गर्विता था, रूप का अभिमान था, वह अपने आप में ज्यादा सुंदर समझती ही। इंद्र देवता उसके रूप पर मुक्त हो गया और अपने जाल में फंसाने के लिए माहिर हो गया। एक दिन गौतम ऋषि का रूप धारण करके आया। गौतम ऋषि को तो सुबह होने का एहसास हो गया, वो तो गंगा स्नान करने चले गए। इधर उसने आकर के जो है अहिल्या का सतीत्व भंग किया। पहचान तो गई ये गौतम ऋषि नहीं है, इंद्र है। पर रूप के अभिमान में उसने सब कुछ देखा अनदेखा कर दिया। इधर गौतम ऋषि को जब मालूम पड़ी कि मेरे साथ छल हुआ है, कपट हुआ है, तुरंत दौड़े दौड़े आए, आगे देखा इंद्र को भागते हुए। ए इंद्र रुक जा, तेरे सारे शरीर में भग ही भग, छिद्र ही छिद्र हो जाए। ए अहिल्या, काम के प्रभाव से तुमने अपनी बुद्धि को जड़ किया, तो जा जड़ हो जा, शिला बन जा। तब से वो जड़ होकर के शिला बनकर पड़ी रास्ते में। प्रभु राम जी की शादी हो गई है। अहिल्या ने सोचा कि काम के प्रभाव से मैं जब शिला बन चुकी हूं, तो कभी राम जी के चरण रज के प्रभाव से मैं पुनः स्त्री बन जाऊंगी। गौतम नारी गौतम नारी श्राप बस उपल देह धरी चरण कमल रज चाहती कृपा विश्वामित्र के आदेश का पालन करते हुए प्रभु ने अपना चरण उठाया और जैसे स्पर्श किया परशत पद पावे लोक नसावे प्रगट भई तप पुंज सही
मन में विचार किया, मर्यादा पुरुषोत्तम राम पराई नारी को मैं कैसे अपने चरण से स्पर्श करूं, यह भी एक मेरी मर्यादा के खिलाफ। इसलिए प्रभु ने अपना चरण उठाया शिला के ऊपर, स्पर्श तो नहीं हुआ पर देवताओं के द्वारा प्रेरित वहां पवन चरण के स्पर्श हुए हुए वे रज के जो कण हैं, वे पवन से उड़ करके और जैसे ही शिला को लगे, उसी वक्त शिला ने नहीं एक तप कुंज नारी प्रकट हो गई। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। देखत रघुनायक जन सुख नायक, तन्मुख होई कर जोर गए, हाथ जोड़ करके प्रभु का विधान करती हुई अपने देवताओं के दर्शन करती हुई लाभ ले रही है। अति प्रेम अधीरा पुलक शरीर, प्रभु राम के दर्शन हुए तो शरीर पुलकित हो गया, वाणी वाष्प हो गई, शरीर गदगद हो गया और अब तो ये भाव दशा हो गई कि कुछ बोलना चाह रही फिर भी कुछ बोला नहीं जा रहा, ये प्रेमी की दशा। अतिशय बड़भागी चरण अपने भाग्य की सराहना करती हुई अपने आप को ये समझने लगी कि मैं बड़भागी हूं, जुगल नयन जगधार रहा नहीं गया और देख के अपने दोनों नेत्रों से जलधार को बहाती हुई प्रणाम करती है। रजुमन किया प्रभु कहो चिया, रजुमन किया प्रभु कहो चिया, रघुपति सराहना करते हुए कहने लगे, भगवान रघुपति की बड़ी कृपा है मुझ पर जो मैंने ऐसी भक्ति पाई, और वो भक्ति कौन सी जो इन नेत्रों से मैं भगवत दर्शन कर रही हूं। थोड़ी सी हिम्मत आई, मन को धैर्य किया और निर्मल वाणी से स्तुति करती हुई, हे ज्ञान गम्य जय रघुराम, हे रघुवर आपकी जय हो, जय हे राघव आपको प्रणाम प्रणाम। मेरा नारी अपावन जग प्रभु जग पावन,
मैं अवगुण का पुतला तुम गुणवंतों की खान प्रभु, मैं पतिता हूं आप जग पावन पतित पावन, मुझ जैसी पतिता को पावन करके आप पतित पावन बनिए ना। रावण रिपु जन सुखदाय, रावण पर विजय प्राप्त करने वाले हे प्रभु राम, सचमुच आपका दर्शन, आपका जीवन दर्शन, आपकी वाणी और आपका चरण स्पर्श बड़ा ही सुखदायक। हे राजीव लोचन, हे भव सागर से मुक्त करने वाले, भव सागर से पार कराने वाले, हे भव भय मोचन, मैं बारंबार आपके श्री चरणों में शरणागत हूं। पहिमाम पहिमाम रक्षमाम रक्षमाम त्रहिमाम त्रहिमाम, मैं संकटों से घिरी भी हूं, मैं बारंबार आपके चरणों में पढ़कर प्रणाम करती हूं, मुझे अपनी शरण में रखी। सुधरी सौंपे राम को बिगड़ी अपनी शीश, राम चरण वास की पथ राखे जगदीश। हे मेरे जगदीश, कृपा निधान विनती राम निरंजन नाथ सुहात, गहो हम तौर ऋणी है और नहीं कि लोक में दिसत श्याम, सदा सुखदान धनी है तेरे तो प्रभु जी, बड़े बड़े दास है मोसे, गरीब की कौन गिनी है। राम जी विरत विचार हो रावण, मोसे कछु नहीं भक्ति बने। प्रभु मेरे से क्या भक्ति बन सकती है, आपके तो बड़े बड़े दास हैं, मैं तो अदास से भी तुच्छ हूं। दीनवंतु दीनानाथ दीन को समाए, हाँ होइ के कृपालु नाथ कृपा आप कीजिए, दानी हो बड़े दयाल दिन को करी निहाल, काल से बचाए मोहे अभय दान दीजिए, कामना हरण देव कारो में चरण से, वो पाव में अगम भेव ऐसे दयाली जी। राम जी को नाम ध्याय दुख दंद सर्व जाय, राम ही चरण कहे राम रस पीजिए। प्रभु कृपा करें, हे दयालु कृपालु, हे दीनबंधु कृपा सिंधु करुणा सिंधु, इस तरह से स्तुति करते हुए आगे व्यक्त करने लगे। मुनि श्राप जो दीना अंति फल के ना, श्राप जो दीना अंति फल के करुणा एक सिंधु
सचमुच आज मैं मान रही हूं कि मुनि ने जो श्राप दिया ये श्राप नहीं वरदान दिया। इतने समय तक तो मैं अपने आप मुनि को कोसती थी गौतम ऋषि को कि मेरी जड़ मति को देखकर आपने इतना बड़ा भारी श्राप कैसे दिया। जो जिंदगी भर शिला बनकर के मैं पड़ी रही पर प्रभु मुनि के श्राप में वरदान छिपा हुआ मैं उनका अनुग्रह मानती हूं। उन्होंने श्राप नहीं अनुग्रह किया मेरे ऊपर। यदि वो मुझे श्राप नहीं देते तो आज आपके मुखमंडल का दर्शन नहीं होता। देखो हरि लोचन हरि भव मोचन मैंने नेत्रों से मैं आपका दीदार करके दर्शन करके प्रेम के आंसू बहा रही हूं प्रेम जल को मैं सींच रही हूं क्योंकि जिनके स्वरूप का दर्शन करके शंकर भगवान अपने आप को लाभ समझते हैं कि जीवन में सबसे बड़ा लाभ यही है कि ठाकुर जी के दर्शन हो जाए तो प्रभु वही लाभ आज मुझे सहज में प्राप्त हो गया। प्रभु एक विनती है मेरी मति बड़ी बावली बड़ी भोली एक वरदान मैं आपसे मांगती हूं। पद कमल परागा रस अनुरागा मन मम मन मधुप करे अपाना आपके चरण कमल की पराग अनुराग मेरा मन रूपी भंवरा उस अनुराग रस को पाने के लिए ना नहीं प्रभु चरण कमल की कितनी बड़ी भारी महिमा है। भज मन राम चरण सुखदाय प्रभु के चरणों की वंदना कितनी सुखदाई है चरणों की कितनी बड़ी भारी महिमा है। व्यक्ति का मुंह कितना ही बढ़िया हो कितना ही सुंदर हो पर कोई भी आकर के माथे लागू महाराज ये कोई नहीं कहता। कोई कहता है हम और कुछ नहीं देखते हम हाथ पांव शरीर को कुछ नहीं देखते हम किसी को एक दूसरे को देखते तो चेहरा देखकर बात करते हैं चेहरा देखकर प्रसन्न होते हैं चेहरा देखकर आदर करते हैं चेहरा देखकर के सम्मान करते हैं पर सबसे बड़ी बात चेहरा जिसका सुंदर है उसको देख करके कोई ये नहीं कहता माथे लागू महाराज क्या कहते हैं पगे लागू महाराज कटे तो माथों कटे चरण है। जिसकी दृष्टि सुंदर है जिसका तेज श्रेष्ठ है और जिसकी वाणी सुंदर है जिसके कान बोल अच्छे हैं सुंदर है तो महाराज ऐसे विशिष्ट व्यक्ति के तो चरण में पड़ना ही अच्छा है। उसके चरण तो पूजनीय है माथा पूजनीय नहीं है चरण पूजनीय है इसलिए चरणों की बड़ी भारी महिमा है। आइए यही पद सुरी सरिता पर मन पुनीता प्रकट भई शिव शीश हरी प्रकट भई शिव शीश हरी सोई पद पंकज जय गोविंद मम शिर धरयो आनंद
जिनके चरण से गंगा निकसी, भगवान शंकर ने अपने शीश पर धारण करके शीश की शोभा बढ़ाई। बलि राजा के यहाँ एक पांव से धरती को नापने वाले, दूसरे पांव से ब्रह्मांड को नापने वाले उस वक्त आज ब्रह्मा ने कमलों में से जल लेकर चरणों तक लिया, चरण प्रक्षालन किया, चरणों तक लिया। अरे जिन चरण कमल की वह चरण पादुका को भरत जी ने अपने माथे पर धारण किया, प्रभु वही चरण मेरे शीश पर धर दीजिए। प्रभु ने बड़ी कृपा करी और अपना चरण उठाया, अपना होने अहिल्या के माथे धरा। ए भांति सुधारी गौतम नारी, बार बार हरि चरण पड़ी, बार बार प्रभु के चरणों में प्रणाम करते करते गौतम नारी सिद्धि गोलोक को प्राप्त हो गई, पति लोक को प्राप्त हो गई, जहां आज दाम्पत्य जीवन सुख गया। काम के प्रभाव से दाम्पत्य जीवन बिगड़ गया था, उसी राम के प्रभाव से दाम्पत्य जीवन आनंद से परिपूर्ण हो गया। प्रभु गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, तुलसीदास सठ ते ही भजो छाण कपड़े तुम्हारे, यानी कि कपट जंजाल को छोड़कर जो दिन रात ये मूर्ख यदि भगवान का भजन करता है, तो भगवान तो बड़े दीन बंधु कृपा सिंधु कारण रहित तो दया करने वाले हैं, वो हम पर भी दया करेंगे निश्चित रूप से। ऐसा सुंदर प्रसंग यहां पर गोस्वामी तुलसीदास जी ने अहिल्या उद्धार का प्रसंग श्रवण कराया। प्रभु आगे बढ़े विश्वामित्र जी के साथ। विश्वामित्र महामुनि आए ये समाचार मिथिला पति पाए, तुरंत महाराज जनक ने आकर के विश्वामित्र जी के चरणों में प्रणाम किया। प्रेम मगन मनुजान नृप करि विवेक धरि धीर, बोल्यो मुनि पद नाय सिरु गद गद गिरा गंभीर। मन को प्रेम मंग जान राजा जनक ने विवेक का आश्रय लेकर धीरे धारण किया, मुनि के चरणों में सिर नवाकर गद गद गंभीर वाणी से कहा, प्रभु गो बालक कौन है, कहूं नाथ सुंदर दो बालक, बाप जी बालक है पालक है मनक है कई है, बालक है किन्ना बालक है, मन लागे मुनि कुल तिलक की नृप खुल पालक, कई है मुनियों रा तिलक है के राजा धीरज और अब पालक है, बाप जी कहीं बताओ कौन है, ए बालक है मानक है तिलक है पालक है। विश्वामित्र जी कहो ए चारों ही मारा दशरथ रा, ए दोनों लाल है साक्षात ब्रह्मांड अधिनायक पर ब्रह्म परमात्मा जगत नियंता भगवान शगुण साकार में मानवीय लीला करने वास्ते धरती माता है और सबरा पोषण करता है वास्ते पालक है, ऋषि मुनियोरा या सिरमोड़ है वास्ते तिलक है और सब्र समान व्यवहार रखने वाला सब्र प्रति मानक है। राजा जनक राम जी रा मुखमंडल रा दर्शन करता करता आ क्या फटीरी फटी रहेगी है, मैं हूं वट ज्ञानी, मैं कौन हूं ज्ञानी हूं, दशरथ ज्ञानी कौन है, ज्ञानी मैं हूं, पर ए भगवान ज्ञानी ने नहीं आया,
अरे भगवान ने तो चाहिए कि ज्ञानी ने बाप बनावे, तो ज्ञानी ने बाप ही नहीं बनाया। ऑलरेडी तो बाप कौन है? दशरथ। चलो बाप रो अधिकार भी खत्म हो, गुरु बन जाऊं। राजा जनक सोचो अरे गुरु बन जाऊं, क्योंकि मैं ज्ञानी हूं और ज्ञानी ने अधिकार है गुरु बनने रहो। अज्ञानी और अज्ञान हरण करने वास्ते ज्ञानी लोग गुरु बन, शिष्य और अज्ञान हरण करे इन वास्ते गुरु बनने की जरूरत। पर बड़ा जनक जी सोचो रे, ओ गुरु तो हते, बाप तो घरे बैठे दशरथ, और गुरु हते तुम्हारे गुरु गणो भी गियो है, गुरु गणो भी गियो, बाप गणो गयो, गुरु गणो गयो, अब तीसरा एक रिश्ता रह गया और वो है ससुर। मने अड़ी ठा होती के मारे साक्षात भगवान ने मारा जवाई बनाने रो मने सौभाग्य मिलतो, मने शिक्षा होती के एड़ा जवाई राज है तो पछे मैं प्रतिज्ञा नहीं करतो। प्रतिज्ञा करी नहीं भी राजा जनक, कई प्रतिज्ञा करी। एक बार सीताजी ने कियो, सीताजी जाओ आज मारे पाठ पूजा में विलंब हो रही है, क्योंकि राज कार्य में कुछ विशेष काम है, तो थे जान एक काम करो सीता, जटे मारे धनुष रो पूजन अर्चन हुए है उन आसपास में जरा गोबर लेपन कर, साफ सफाई कर दो। सीता जी आदेश रो पालन कर पाची आई और कहो, पिताजी साफ सफाई होगी, हम थे पूजा कर। राजा जनक बटे आया देख धनुष रे नीचे भी गोबर लेपन, 700 बेलू रो जोर लगान धनुष ते खींच ले लाया, इतो बड़ो भारी भरकम धनुष ने कुल उठायो और धनुष ने नीचे और गोबर कुल लेपन करी। सीता अटिया ओ ओ ओ कुल करियो, मैं करियो हाँ, ये उठाया और मैंने गोबर लेपन कर दिया। ये 700 हाथी या 700 बैल जिन धनुष ने खींच लाया, अब तो छोरी क्यों उठा दी, क्यों उठा दी, जरूर आ कोई शक्ति है, आ जगत जननी है। जब शक्ति इन धरती माते मारी छोरी बनन आई है, तो जरूर इन स्वामी भी धरती माते आयोड़ा है। इन वास्ते में प्रतिज्ञा लो, जो कोई धनुष तोड़ेला सीता जी उन्हें जीवन माला पहनावे। एक बात सुनो मजेरी बात, विश्वामित्र राजा जनक सबने निमंत्रण दियो, नो तो दियो आई जो हमारे स्वयंवर है, स्वयंवर है, पर मारा दशरथ ने कौन दिया, क्यों नहीं दशरथ ने नो तो कौन दियो। इनो एक कारण है, धनुष तोड़ने रे प्रसंग वो पहली राजा जनक शिकार खेलता खेलता मारा दशरथी राज्य की सीमा में आए, और वे शिकार खेलने वास्ते जो ही बाण चलायो वो हिरण ने तो नहीं लागे, गाय लागे, गाय मरगी, कौन मरगी, गाय मरगी। हमें सैनिक बटे छटपटावे, क्योंकि जिन जीव सु गाय की हत्या हो जावे
जिन आदमी से गैर हत्या हो जावे वो महापापी हुए। राजा जनक महापापी हो गया। अब सैनिक घबराया, मारा राजा महापापी हो गया, महापापी हो गया, गौ त्यारा गौ त्यारा गौ त्यारा। अब राजा रे माते कलंक लाग गया। अब इन कलंक ने कुण दोवे, जिन राज्य री सीमा में आया और कलंक राजा जनक रे माते लाग गयो है, तो महाराज दशरथ ने कोई उपाय पूछा कि इन कलंक से छुटकारो की कर मिले, इन कलंक से छुटकारो की कर मिले, कोई उपाय पूछा। तो जाओ भाई सैनिक, जाओ चारों सैनिक मारा दशरथ पे करने गया। जिन टाइम रा चारों सैनिक आया, उन टाइम रा मारा दशरथ आपने पुजारी थाली लियोड़ा, कुंकुम है, चावल है, गुड़ है, केसर है, पानी रो कलशो है, रोली मोली है, ये सब ले आप जा रिया गुरु की पूजा करने वास्ते। और नियम हो कि मैंने सुबह रोज गुरु की पूजा करनी, उन्हें पच्चे में राजकार्य संभालना। देखो भैया, माता पिता और गुरु मैंने अभी भी थोड़ी देर पहले कहा था, आपकी अपनी दिन की दिनचर्या प्रारंभ करने से पहले घर का या समाज का या कोई भी राजकार्य है, उस कार्य को करने से पहले अपने माता पिता गुरु की पूजा रोज करनी चाहिए। माता पिता गुरु की पूजा करो, अर्चना करो, प्रणाम करो और आशीर्वाद लो, उसके बाद आप दुकान का, फैक्ट्री का या कुछ भी जो काम है वो आप अपने घर का काम करो, तो वो आपके काम में फलित बहुत फल मिलेगा और निर्विघ्न कार्य पूर्ण होगा। तो महाराज दशरथ बटे जा रिया, इन कैमरे चार सैनिक दौड़िया दौड़िया आया। राजा दशरथ पूछो थे कौन हो रहे, राज्य सीमा में ओ बड़ा आदर साथ ले ना। बोले महाराज आ नहीं सके, अब हमारे कलंकित है, गौ अत्यारे पाप होने लायक, आप कहीं उपाय करो। महाराज दशरथ बोलिया, इन टेमरा तो मैं गुरु रे चरणों की पूजा करने जाऊं, गुरु री चरण पूजा ने नहीं छोड़ो, चाहे कितो ही मोटो काम हो, घर में कितो ही मोटो काम हो, कितो ही नुकसान हो, मनो नो कोई परवाह नहीं है, कितो ही मोटो मोटो बेनिफिट होते हुए तो भी मैं गुरु री पूजा नहीं छोड़ो, पहली मारी गुरु री पूजा ही करूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। तो आप जी मारे राजा जनक रो कई करो नहीं, बात ये कौन कलंक लाए क्यों, कलंक लाए क्यों। तो एक उपाय है, एक मैत्र झाड़ू निकाल तो राजमार्ग नाते हैं हरिजन, उन हरिजन ने बुलाया, किने बुलाया हरिजन, आज भी भाषा में हरिजन कहना ही चौक पाया। हाँ, हमारे बंगी कहता तो मामला गड़बड़ हो गया, ऐसी एसटी रो केस लाग जाए बपुरा से जेल में सड़ा लाग जाए। तो हरिजन क्या हो चुका है, उन्हें बुलाया, आप जी हुक्म अंदाता आदेश है, राजा जनक अपने राज्य की सीमा में गवत्या के पाप से वो कलंकित है, जाओ उनके कलंक को धो। सैनिक देखो लाग जाए, ओ ओ ओ हरिजन मोरा राजा रा कलंक धोई हो, बड़ो आश्चर्य, बड़ो आश्चर्य। अब करे तो करे, दूसरों के घर में आयोड़ा कहीं कर भी नहीं सका, कैसे भी करके मोर राजा रो गौ हत्या रो पाप छुटकारो मिल जाए तो ज्यादा चौकी बात। गए राजा जनक ने बात करी सैनिक लोग, हरिजन आया है महाराज, राजा दशरथ रे खुद तो नहीं आया, गुरु पूजन में गया है पर ये हरिजन है, उन्होंने भी बड़ो संकोच हो जो अरे लज्जित थी, वो शर्म आई, पर अब शर्म आई तो कहीं कर चल दो अत्यारे पाप छुटकारो तो मिली, भले और समाज रो सब छोटो व्यक्ति है निकृष्ट व्यक्ति है पर अपना पाप ने धो दे तो अपना कहीं। तो हरिजन
हाथ में जल ले, मैं अपने मनसा वाचा कर्मणा भाव से राजा दशरथ जी के आदेशानुसार मैं अपने कर्तव्य में ईमानदारी बरतता हूं और किसी तरह के मैं कर्तव्यता में मेरी आलस्य प्रमाद नहीं है, तो हे गौ माता तू जिंदी हो जा, तू जिंदी हो जा। उस राज कर्मचारी हरिजन के ऐसा संकल्प लेकर पानी छोड़ा और पानी छोड़ते ही वह गौ माता जिंदी हो गई। अब राजा जनक सात जन्म में भी बार बार जन्म ले लेकर के भी महाराज दशरथ की इस ऋण से मुक्त नहीं हो सकते, महाराज दशरथ के भी ऋण मुक्त नहीं हो सकते और उस हरिजन के भी ऋण मुक्त नहीं हो सकते, क्योंकि उन्होंने गौ हत्या के पाप से छुटकारा दिलाया। राजा जनक पाप से मुक्त हो पाचा आप राजमहल में गया है मिथिलापुरी, जब प्रतिज्ञा ली और कुकु पत्रिका लिखने का समय आयो राजाओं ने बुलाने रो, तो शतानंद जी कहो बाप जी महाराज दशरथ ने मत भूल जो हो पत्रिका देवड़ी है, एक बार कियो दो बार कियो चार बार कियो इन भूल जो मत ही महाराज दशरथ ने पत्रिका देवड़ी है। राजा जनक कहो अपना सैनिक यदि धनुष भंग करने की और स्वयंवर की पत्रिका लेकर महाराज दशरथ के पास में जावे, उस वक्त यदि गुरु के चरणों की सेवा करने जा रहे हो और पत्रिका देकर कहे कि भाई मैं तो जा नहीं सकता और कहीं हरिजन को भेज दिया तो, कहीं हरिजन को भेज दिया तो सही बात है कि नहीं। महाराज दशरथ जा रहे थे पूजा करने को गुरु की और हरिजन को भेजा गौ हत्या के पाप से छुटकारा दिलाने के लिए, अब भी यदि ऐसा ही प्रसंग बन गया तो क्या करोगे, क्या कर लोगे? यदि इस पत्रिका को देखकर राजा ने किसी हरिजन को भेज दिया और वो हरिजन अटे आ, जब एक कर्मचारी इतनी बड़ी शक्ति है तो राजा ये कितनी बड़ी शक्ति वेला, कितनी ईमानदारी वेला, देश रे और राष्ट्र प्रति कितनी वफादारी वेला, आप दोनों विचार करो। ये प्रसंग आप लोगों को सुनने की जरूरत है जो देश में भ्रष्टाचार फैला रहे और अराजकता फैला रहे, आंदोलन जीवी की आदत जो पड़ गई किसान आंदोलन जैसे प्रसंगों को लेकर के, जो तरह तरह के छिटाकसी करके राजनीति को तरुण मरोड़ने की जो प्रयास कर रहे हैं, उन लोगों से मैं कहना चाहूंगा हमारे इतिहास के प्रश्नों को खोल करके देखिए, पुराणों के प्रसंगों को पुरानी कथाओं को खोल करके देखिए और उसका पालन करिए, मेरे देश की क्या संस्कृति थी और राष्ट्र धर्म क्या था, मेरे राष्ट्र का धर्म क्या था और लोगों के अंदर राष्ट्र धर्म के प्रति कितनी कर्तव्यता थी और कैसी निष्ठा थी, ऐसे प्रसंगों को पढ़कर अपने जीवन में राष्ट्र धर्म का पालन करना चाहिए, तभी मेरा राष्ट्र धर्म मेरा जगत गुरु बनेगा, विश्व गुरु बनेगा, विश्व गुरु साधु। राजा जनक ने शतानंद से कहा, शतानंद कटे हरिजन आए अपने धनुष उठा और मान लो तोड़ दियो, तो कई सीता जी ने हरिजन ने मारा करे एडो काप नहीं करनो ना अपना नो तो नहीं देनो, नया किकरी कन गौ अत्यारे पाप से छुटकारो ने हरिजन से पाल लियो, पर मैं तो गलत काम नहीं कर सकूं कि मारी छोरी सीता काले एडो कोई प्रसंग हो जाए, इन वास्ते अपने नो तो नहीं देना, मारा दशरथ ने नो तो नहीं दियो, इन वास्ते विश्वामित्र जी कहवे कि जब यज्ञ की रक्षा करने वास्ते हलो ही हो
चलो बट देखियो रे बाप पणो भी गयो गुरु पणो भी मारो अधिकार गयो ससुर पणे रो अधिकार तो है पर मैं प्रतिज्ञा कर ली कई कर की कर रहे आप जो है प्रतिज्ञा ने फेर बदल करो मन ही मन भगवान ने स्मरण करे महाराज जनक परब्रह्म परमात्मा भगवान राम रो में ससुर बन जाऊं एड़ी तो मारे माते कृपा करो प्रसंग घना लंबा चौड़ा है सुंदर सदन में ठहराया और तैयारियां होने लगी सब जगह अपना अपना आसन लगाया बड़ा बड़ा प्रतापी राजा लोग आया आप रो आसन तैयार करियो 700 हाथी सू बे उन्हें रथ ने धनुष ने खींच सभा में लाया इतो बड़ो भारी नहीं सदानंद हाथ उठाकर बोले बुझाओ ऊपर करके बोले हे राम महाराज कान खोल करके सुन लो अपने अपने बल का अभिमान करने वाले राजाओं जो कोई धनुष को तोड़ेगा उसी को सीता जी वरमाला पहनाएगी सब आया सब घर करके आजकल जिम खुल गया नहीं तो उन टाइम में भी जिम आप अपने घर में कसरत करता उठ बैठे करता दंडवत करता 100-100 दंड दंडवत करता उठ बैठे करता 100-100 मैं छोटा जा अब बेटे सब तरह ताकत लगाओ एक राजा उठ्यो मारो नंबर पड़ोस में बैठो राजा कह रहे हे सत्यनारायण भगवान वो गयो तो है इन उड़ जमती नहीं तो मारे 100 किलो भी दाम खैड़ी रो कई हुई ऐसे कहीं कर्जो पति छुड़ा अब वो उठा है यही कौन थी मुंडो नीचे करे चुपचाप आन बोलो बोलो बैठ गयो पची यू देख पड़ोस में बैठे राजू यार देखा इसे नहीं उठाना वहां सत्यनारायण भगवान तू साचो भाई देख अब मैं देख मारो उठी जा मुझे बटन जा और जैसे पड़ोसी गया तो उसका पड़ोसी बोल और वो भी बोलियो जो पहले जिन्होंने नहीं उठी उन पांचों अन बैठे वो भी बोलियो हे भगवान वो धनुष मारो नहीं उठे तो इन्हों भी नहीं उठना चाहिए मारो नहीं उठियो तो इन्हों भी नहीं उठनो चाहिए बस अपना देख कहावत है नहीं भारत और पाकिस्तान और क्रिकेट मैच हुए और भारत कर पाकिस्तान ने मैच भले ही पाकिस्तान और भारत रो रोमांचक मैच हुए
चाहे कुछ भी हो जाए, पर पाकिस्तान नहीं जीतना चाहिए। चाहे कुछ भी हो जाए पाकिस्तान नहीं जीतना चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। हर आदमी अब भले दूसरा देश हो, भारत का कितना ही मैच हो, हारे चाहे जीते उन्हों कोई मतलब नहीं है, पर जब जब भारत पाकिस्तान में मैच हुए उन कैमरा हर भारतीय एक कामना करता, बस पाकिस्तान नहीं जीतना चाहिए, पाकिस्तान नहीं जीतना चाहिए। और भारत जीत के रहता, भारत जीता जीत गया, हर बार जीत गया। तो साधु वो भी हम लोग बल लगायो, लाई चुपचा बोलो बोलो आयन बैठ गए टाइट टाइट। बड़ा बड़ा राजा महाराजा फंड था, रावण भी आयो, रावण आयो उपरो राजा जनक राज भीड़ किन बात नहीं कर रहा आयन पूछो वे कही है बोले स्वयं ए जनक तूने सबको न्योता दिया तो मेरे को न्योता क्यों नहीं दिया। जनक ने देखा रे फंस गए, अब क्या कर। जनक ने कहा ये काम करो, मेरा काम तो केवल घोषणा करनी थी, ये तो सतानंद का काम है, ये चंद्र प्रकाश सतानंद इसका काम है। चंद्र प्रकाश रावण बोल रहा हो, मैं नहीं बोल रहा बता मेरे को निमंत्रण क्यों नहीं दिया। चंद्र प्रकाश बोले साहब मेरा काम लिस्ट बनाने का था, तो लिखने का काम का किसका था, पुलिस का था, किसका था, संजय कुमार का, संजय का था। बोले हाँ क्यों रहा संजय मेरे को निमंत्रण क्यों नहीं दिया, मेरा काम तो केवल लिखने का था, डालने का काम उसका था, ये पीछे बैठा मोहित क्यों रहा मोहित, मेरा काम साफ पत्र पत्रिकाएं इकट्ठी करके पोस्ट करने का था, तो मैंने पोस्ट कर दी, अब डाकिये का काम है, बुलाओ डाकिये को, डाकिये को बुलाया गया, डाकिये आया लाई बेचारा थर थराता हुआ कांपता हुआ, क्यों रे मेरे को पत्रिका क्यों नहीं दी, मैं आयो हो आपने पत्रिका दे, मैंने आयो आयो हो कटे आयो कहीं करो माठेड़ समुद्र किनारे आयो देख के तारे सो योजन दूर लंबो रस्तो मारो पार हुए को नहीं, इन वास्ते मैं मगरमच्छ ने भेज दी थी, किले भेज दी मगरमच्छ ने, अब आप जाने मगरमच्छ जाते राजा जनक की ओर है इतनी क्यों पैसी लेने हैंगोरी अपने किनी पैसी लेनी कोई बात, हमें थे आए क्या हो तो धनुष उठा लो और धनुष उठाओ तो हमारे थमे आगे ही आगे। बोले ठीक है, अब देखो साहब धनुष उठाने वास्ते रावण आप बल लगाए धनुष उड़ गया, उड़ गया धनुष उड़ गया तो लक्ष्मण जी करने बैठा, लक्ष्मण जी के ले मामला बड़ो गड़बड़ो क्यों तो गड़बड़ो क्यों। लक्ष्मण जी तुरंत शेषावतार धारण कर और धनुष रे माथे और अटे आप ही कहवे रावण रा गुरु कौन है, रावण रा गुरु कौन है, शंकर भगवान और सीताजी बटे बैठी, सीताजी अबार किनी पूजा करना है पुष्प वाटिका मैं उमा अंबिका दुर्गा भवानी थी, जब उमा अंबिका दुर्गा भवानी भी पूजा करने आई है और उनमें कही हो कि शक्ति उन्हें आशीर्वाद दे दियो कि थारा मनोरथ पूर्ण हो गया, जब सीता अब आटी ने
उठा लिया, क्योंकि भोले शंभू है, धनुष किसका है, शिव जी का है, और रावण का गुरु कौन है, शिव जी है। तब अब जटे चेलो आ गयो है, बटे तो बचे गुरु जी तो चेला माती मेहरबान हुई, तो एडा भोला शंभू रावण भी पात्रता देखी नहीं देखी, भोला शंभू हो नड़का हो गया और धनुष उड़ गयो, धनुष उड़ गयो नहीं, बटे ने सीता कियो, सीता कहो तो महाराज उमा अम्बी का दुर्गा भवानी, अरे शक्ति माँ हो कहीं करियो थोड़ा धनी ने हम जाओगे नहीं, ये तो मैंने आशीर्वाद दे दियो ना, और मामलो गड़बड़ हो रही है। तुरंत शक्ति पार्वती कहो, अरे मारा प्राण ना, ये सारे चेलर माते इतना मेहरबान हो गया, सही कौन है गलत कौन है, घंटा को नहीं मैं मानो कि थारा चेलो है रावण, पर इनो मतलब नहीं है कि इन तरह से वो वातावरण हो जावे। देवी एड़ी बोली, एड़ी बोली के देवो चुप चुप, अब जब देवी बोल जावे नहीं, बट अच्छा अच्छा भोलेनाथ सब चुप बोलते घर में हुए है, घर में हो गए अब जट देवी बोले बेटा तो देव ने चुप होना पड़ा, तो शंकर भगवान चुप हो गया, शंकर भगवान जब चुप हो गया तो पांच धार पड़ी और जो ही धनुष माते बाण भार बढ़ियो, अब रावण दब तो गियो, और जो ही रावण दब तो गियो दब तो गियो, अरे बचा बचा रावण दब गियो, तुम धनुष ने अब कई करो, अब कई स्तुति नहीं है। तब राम जी ने लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण तुम शेषावतार हो, थोड़ा सा ऊंचे कर दो जाओ, परोपकार करना हमारा अपना धर्म है, दूसरों की पीड़ा को समझ करके पीड़ा को दूर करना ये मनुष्य का धर्म है, इसलिए लक्ष्मण तुम जाओ और रावण को बचाओ। लक्ष्मण जी तुरंत दौड़े दौड़े गए और धनुष को उठाया, थोड़ा सा हल्का उठाया, और उठाते ही महाराज वो नीचे निकल एडो मुंडो लेन वो गियो वो गियो वो गियो। गुरु की कृपा, देवी की कृपा, पुष्प वाटिका रो आनंद, जटे सीताराम रो दर्शन, एक दूसरा सु दर्शन, दोनों ही अपने मन मन की भावना एक दूसरा ने व्यक्त करता हुआ विचार कर रहे हैं, दोनों राम जी भी सीता जी रो ध्यान कर रहे हैं, सीता जी भी राम जी रो ध्यान कर रहे हैं, अब थोड़ा तो जल्दी से कल्याण हो जाए तो बढ़िया है, बड़ा बड़ा प्रतापी राजा आप लोग प्रभाव दिखायो, अटे तो यू कहे 10,000 राजा लोग इकट्ठा हो धनुष में उठाने की कोशिश, 10,000 राजा एक साथ, उल्टा थोड़ा जोर लगा, हाँ बटू जोर लगा, अरे बटू लगे जोर थोड़ा और, नहीं बोली है 10,000 राजा लोग टाइम टाइम फिश किन्नो ही धनुष नहीं उठियो, और मान लो 10,000 राजाओं धनुष उड़ जाते हो, 10,000 राजाओं धनुष उड़ जाते हो, तो सीता जी माला के नहीं पहला था, इन वास्ते धनुष नहीं उठियो, सब जना जान बैठ गई, अब आपस में कहे अरे हमें आप हल्ला ना अटू हल्ला नहीं रहे, धनुष तो किन्नी उठियो ही नहीं, हमें राजा जनक कोई सीता जी ने कोई कंवारी थोड़ी रहा कि आप कंवारी तो नहीं रहना, अब वर माला देन भेजी कभी अपना नंबर लाग दे तो बेटर हो चुके हम बेटर वासा बेटर। राजा जनक ने कहा ए सभासदों, तुम अपने अपने वीरों का अभिमान करने वाले चले यहां से, झूठा ही अभिमान कर रहे हो, कह रहे हम बलवान है बलवान है बलवान है, धनुष को नहीं उठा पाए। राजा जनक तो एड़ो मानना पाड़ियो, एड़ो मानना पाड़ियो,
हैंगवारा मुंडा नीचे हो गया, आपस में चर्चा चल रही। हेलो, मैं तो कहीं मतलब वो नहीं, चुभ रहे हैं, चुभ रहे हैं, अरे चुभ रहे हैं, जाओ नहीं अब बार माला लेना है क्या आपन मुंह लाग लो, बटर हैंग बैठ गए, पर लखन जी खड़े हो गए। लखन जी बोले, ए जनक, जिस सभा में रघुवंशी बैठे हो तो जरा अपनी जबान संभाल करके बोलिएगा। खबरदार, रघुवंशियों का वीर वीरता देखी नहीं है। अरे ये ब्रह्मांड को हम गेंद की तरह उखाड़ करके उछाल कर रहे, हम खेलने को तत्पर है। और ये धनुष है क्या? इस धनुष को तान कर सौयोजन दूर जाने वाले हैं, भागने वाले हैं। ये सब राम जी का बल प्रताप है। हम कोई दूध लुए नहीं है। अभी हमारा जिस वक्त लखन लाल जी जब बोल रहे थे उस वक्त धरती दावा डोल हो रही थी, भूकंप हो गया चारों तरफ, सागर उबलने लगा, नदियां उफानने लगे, बादल गरजने लगे, काले में सही सही बचने लगे, नारायण हुई सब धर 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 चाटने लगे। अब क्या होगा, अब क्या होगा? जैसे तैसे करके लखन लाल को शांत किया और महाराज जनक ने आदेश दिया, विश्वामित्र समय शुभ जानी। 253 दोहे के बाद बड़ी सुंदर चौपाई है, विश्वामित्र समय शुभ जानी। विश्वामित्र समय शुभ जानी, बोले अति स्नेह मय समय शुभ जानी, बोले अति स्नेह मय जान करके राम जी को आदेश दिया, राम उठो, जनक के संताप को दूर करो, सुनेना जी के संशय को मिटा, मंदोदरी की चूड़िया तोड़ो, जाओ उठो। राजा जनक की सभा में विश्वामित्र जी के आदेश से राम जी उठे, चरणों में प्रणाम किए और चले गए। सारे राजा महाराजा चिल्लाने लगे, हे जनक, इस किशोर को बैठाओ, हम बड़े बड़े प्रतापी राजा ने जब धनुष नहीं तोड़ा नहीं कहे जब पड़ेगा धनुष इसे बैठाओ, बुलाओ सीता जी को वरमाला लेकर के स्वयं मन में रचे और हम में से किसी को चुने। पर राम जी तो निर्भीक होकर के चल जाए। यहां राम जी को कुंजरगामी कहा, क्या कहा? कुंजरगामी। कुंजर का अर्थ जानते हैं? हाथी। राम जी ऐसे चल रहे हैं जैसे हाथी की तरह चल रहे हैं, क्योंकि जब गांव में हाथी घुसता है तो बड़े मस्त होकर के चल जाए। अच्छा, एक बड़े मजे की बात है, हाथी को साक्षात गणेश ही मानना,
तो गांव के लोग इकट्ठे होकर के आते और सामने स्तुति करते, पर वहां उस वक्त कुत्ते भी पीछे आते, कौन आता, कुत्ते थे, और पीछे आते हो आगे नहीं आते, क्योंकि हम कुत्तों की ताकत नहीं कि आगे आकर के भूखे, कुत्तों की ताकत नहीं कि आगे आकर के भौंके, वो पीछे से भौंके। तो गांव में ऐसे भी कई कुत्ते लोग भी हों जो कोई राम जी की तरह अच्छा काम करने वाला, समाज सुधारक, गांव का सुधार करने वाला काम, तो उसमें स्तुति तो करते ही सामने आकर के, बादशाह आपने अच्छा काम किया, वैसा किया वैसा किया। पर ऐसे जो जलने वाले लोग हैं ना, वे कुत्ते लोग हैं, वो सामने नहीं आते पर पीछे से भौंकते, वो पीछे से बोल ये ऐसा है वैसा है वैसा है, यो है वो है, ये तरह तरह के लाछन लगाता वो करते। पर राजा यानी कि हाथी परवाह नहीं करता है, न तो स्तुति करने वालों पर प्रसन्न होता है, न भौंकने वाले पर दुखी व्यक्ति होता है। हाथी तो अपनी मस्ती से चाल चलता है। जो व्यक्ति समाज का बड़ा सुधार करने वाला जो व्यक्ति होता है ना, वो स्तुति वालों से भी खुश नहीं होना चाहिए, तो ऐसे गालियां निकालने वालों पर भी डरना नहीं चाहिए, उनकी परवाह नहीं करनी चाहिए, अपना जो काम है उसे निडर होकर के करते रहना चाहिए। कुंजर जाता बड़ी मस्ती से मस्त होकर के चल जाता, धनुष को प्रणाम किया, जब पिनाक धनुष को प्रणाम किया तो चारों तरफ परिक्रमा की, सीता जी मन ही मन जल्दी से प्रार्थना कर रही कि अब धनुष को जाए, जल्दी करो नौ धनुष, जल्दी करो, देर करो, कहीं घूमो चक्कर काटो। सुनैना जी को बड़ी संशय हुई, इतना छोटा सा राम है, इससे मेरे धनुष कैसे टूटे। सखिया कहने लगी, अरे सुनैना जी, सूरज दिखने में बहुत छोटा है पर सारे भवन को प्रकाशित कर देता है, सारे संसार में उजाला करता है। अग्नि की चिंगारी कितनी छोटी होती है पर गोदाम में भरी सब खाकले को जला करके भस्म कर देता है, पूरे वन को जला करके खाक कर देता है। जहर दिखने में कितना छोटा है पर जो कोई पीता है तो भर जाता है। राम महामंत्र दिखने में कितना छोटा है पर उसको भव सागर से पार कर देता है। काम कितना छोटा है, काम कितना छोटा है, दिखता भी नहीं है, हमारी आंखों में ताकत भी नहीं है, पर जब काम व्यक्ति के जीवन में सवार होता है तो महाराज काम के वशीभूत होकर के भूत हो जाता है, सब उसका नैतिक धर्म खत्म हो जाता है, इतना पागल हो जाता है काम के जब सवार होता है। इसलिए राम भले दिखने में छोटे हैं पर ये बहुत बड़े महान कार्य करने वाले। सुनैना जी तुम इसका विचार मत करो। राम जी ने तुरंत प्रणाम परिक्रमा करके गोस्वामी तुलसीदास जी की बड़ी सुंदर कलम चलती है, ऐसी सुंदर कलम चलती है जिसमें गुरुई प्रणाम मनि मन कीना, अति लाघव उठाई धनु कीना। आप भी रामायण पढ़ो और उसमें ये देखना 268 नंबर दोहे के बाद जिसमें बड़ी सुंदर चौपाई है, गुरुई प्रणाम मनि मन कीना, गुरु को प्रणाम मनि मन। आपका चाहे इष्ट चाहे गुरु कोई भी हो, जहां कहीं भी हो, आपका वहां गुरु तो नहीं है पास में, पर यह नहीं है कि जब नहीं है तो हम उनको याद नहीं करें, उनका मनीमन स्मरण करके मनीमन उनके उनको प्रणाम करो, ध्यान करो, और उनका ध्यान करके प्रणाम करके ही हम कार्य की शुरुआत करें। ये बड़ी सुंदर चौपाई है, आइए हम सभी गाते हैं।
गुरै प्रणाम मन ही मन कीना अति लाघव उठाए धनु लीना। बस उनका स्मरण करते ही 260 के बाद 260 के मन ही मन प्रणाम करने ध्यान करने और बड़ा ध्यान करते हुए गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीना अति लाघवे उठाई धनुलीना। चरणों में मनी मन प्रणाम करने लगे। सीता जी भी मनी मन वहां बैठी बैठी जो अभी पुष्प वाटिका में जाकर अम्बे मां को प्रणाम किया तो उनको बारंबार स्मरण करती हुई प्रार्थना कर रही है, नाथ नाथ मेरे होने वाले स्वामी को आप शक्ति दें, ताकत दें, ताकि उनको किसी प्रकार का कष्ट न हो, क्योंकि सीता जी ने पुष्प वाटिका में राम जी को पुष्प तोड़ते हुए देखा था। अरे विचार किया, राम तो इतने कोमल है, जिनको पुष्प तोड़ते हुए भी पसीना आ रहा है तो फिर धनुष कैसे तोड़ेंगे। इसलिए उस घटना को स्मरण करके बारंबार सीता जी प्रणाम करते हुए शक्ति से शक्ति याद दिला रही है, राम जी को शक्ति दो, राम जी को शक्ति दो, तनिक भी उनको किसी प्रकार का कष्ट नहीं है। तुरंत प्रभु ने इधर गुरु को प्रणाम करके लेप चढ़ा मत खेचत गाड़े, बड़े सुंदर लेप चढ़ावत खेचत गाड़े काहुन लखावे खेचने लगे। उसी वक्त महाराज लेत चढ़ावत खेचत गाड़े करौन लखा देख स उठाड़े कैसन राम मध्य धनु तोड़ा। देखते देखते महाराज छोड़े मात्र से धनुष टूटा, भाग पर आई, हाहाकार मचा।
कोदंड खंडे हो राम तुलसी जय की वचन उचार सब के सब ऋषि मुनि अपने कानों में अंगुलियां डाल कर की गौर हाथ बैठ गए। ये क्या हो रहा है? इस तरह से भयंकर शब्द हुआ। जनक की चिंता टूटी, सीता का वियोग टूटा, सुनेना की शंका टूटी, अभिमानी राजाओं का अहंकार टूटा और लंका में मंदोदरी की चूड़ियां तराकर टूट गए। अब बड़े सुंदर अष्ट सखियों के साथ मंगल काम करते सीता जी चली आए। सब की सब सच सच करके मन खन कर वरमाला पहना हुआ है एडो दृश्य मन में विचार कर ताले बजाओ। Bye.
सखिया मंगल गान करती हुई सीता जी बड़े सुंदर भाव से वरमाला लिए हुए राम जी के पास में आई और राम जी का कद ऊंचा है सीता जी छीनी तो वहां सबकी सब सखिया गीत गाने लगी झुक जाओ जी झुक जाओ मारा लगो जी झुक जाओ मारा राजकुमार झुक जाओ पड़सी जी झुक जाओ मारा राजकुमार झुक पड़सी Oh,
जल्दी करे कि करेगा नहीं माड़ा सीता जी कहे कभी तो बेटे फूल तोड़ता 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 घनी देर दर्शन दिया पुष्प वाटिका में बट भी तो घनी देर लगाई तो मन दर्शाया पर भाई क्या करें लखन जी उपाय करियो इतना बड़ा बड़ा प्रतापी राजा के बैठा किनो ये धनुष नहीं टूटे और हमारा भाई राम जी रे हाथों धनुष टूटे इतो महान कार्य करियो तो कहो जान धन्यवाद तो देतो तो लखन जी तुरंत दौड़ पड़े राम जी रे चरणों में पड़ बधाई हो बधाई हो हमारा राम जी बधाई हो। और जो ही गिरे हुए लक्ष्मण को उठाने के लिए झुके इधर से मौका मिला सीता जी ने वरमाला पहना दी। बड़ा सुंदर दृश्य चारों तरफ सभा में आनंद ही आनंद छाने लगे सब गदगद हो गया देवता लोग पुष्प वृष्टि कर रहे हैं नगड़े बजाए इतना रामायण ने
तेई अवसर मुनि तेई अवसर सुनी शिव धनु भंगा माया रघुकुल कमल पतंगा। परशुराम जी आई गया, परशुराम जी आया नहीं जना आज जोड़िया पक्कन में आए ना, एक एक आप आपको परिचय देने बाप जी आपने दो दो फलान जी फलान जी फलान जी रो बेटो आपने दो दो मैं फलान जी फलान जी फलान जी रो बेटो आपने दो दो यूं हाथ जोड़न पगे लागन बैठ गए। राम जी भी चरणों में पड़िया, राम जी ने देख मुग्ध हो गया, राम जी ने देख तो मुग्ध हो गया। टुकड़ा टुकड़ा होड़ा धनुष राम देख ए जनक इस सभासद में से उस व्यक्ति को अलग कर दो जिसने धनुष तोड़ा। राजा महाराजा बैठे ले हमें आई नहीं गिरे मुंह आयो पहाड़ के नीचे सोई पुरारे को दंडु कठोरा राज समान आज जोई तोड़ा। इस राज समाज में जिसने तोड़ा है उसको जो है मेरे सामने शांत वेश करणि कठिन वरण जाय स्वरूप धरे मुनि तनु जनु वीरज रसु आयम जहां सब भू बहोरी विलो की विदेह संत कहूं कहा अति भी पूछत जान अजान जिम व्यापे हूं को शरीर। अनजान की तरह जनक जी से पूछते कहो ये बड़ी भारी भीड़ कैसे शरीर में क्रोध छा गया। विचार करने लगे सभी विलोक की लोग सब जान जान की भीड़ हृदय न हरस विषाद कछु भोले श्री रघुवीर। तब राम जी ने सब लोगों को भयभीत देखकर सीता जी को डरी हुई जानकर उनके हृदय में न कुछ हर्ष था न विषाद। शिव जी के धनुष को तोड़ने वाला आपका कोई दास है क्या आज्ञा है मुझसे क्यों नहीं कहते। ये सुनकर के क्रोध ही बड़े ऋषा करके बोले बहु धन सेवक सो तो करे सेवकाई अरे करनी करी करी लड़ाई। अरे जो सेवक होता है वो सेवक की तरह रहता है, जो सेवा का काम करे शत्रु का काम करे तो लड़ाई करनी चाहिए। हे राम जिसने शिव के धनुष को तोड़ा है वो मेरे शस्त्र बाहु के समान शत्रु है, मेरे सामने कर कौन है वो। इतने में लखन जी बोले बहु धनु तोरी लड़िकाई कबो ने असी जी से किनी गुसाई। हमने अपने लड़कपन में ऐसे कई धनुष तोड़े आपको ऐसा कभी गुस्सा नहीं आज कैसे आया। रे बालक काल रस बोलो नहीं ने संभार धनु संत त्रिपुरा धनु विदित कर सकल संसार। अरे राजपुत्र काल के वश में होने तुझे बोलने का कुछ होश नहीं है। सारे संसार में विख्यात शिव जी का ये धनुष क्या ये धनु के समान है, साधारण से धनु के समान है कि पिनाक धनुष है। लक्ष्मण जी के वैसा आप रो तो कोनी धनुष आप रो तो कोनी शिवजी रो धनुष है। शिवजी ने गुस्सा नहीं आया आने के बाद वो गुस्सा आया चुप हमारे सामने जमा लड़ा रही। लखन का हस हमरे जाना सुनाओ देव सब धनु समाना का छत लाभ जनु धनु तोरे देखा राम नैन के होरे। छोटे ही टूट गए इसमें रघुनाथ जी का कोई दोष नहीं। लक्ष्मण जी बोले आप बिना बिना कारण ही किस लिए क्रोध करते हैं, ऐसा क्रोध करना भी उचित नहीं है।
परशुराम जी ने अपना परसा दिखाया, मार डालूंगा तुझे, मारोगा नहीं, बार बार दिखा भी गई हो। बालक बोली बसो नहीं तो ही मैं तुझे बालक जानकर नहीं मारता हूं। अरे मूर्ख, क्या तू मुझे निरा मुनि मानता है? मैं बाल ब्रह्मचारी अत्यंत क्रोधी हूं, मुझे क्या समझ रखा है तुम्हें? परिचय दे दे इसको मेरा। लक्ष्मण जी कह रहे थे खुद ही मुंडो आपको परिचय दे रही होगा हूं मैं, कहीं पूछू। माप पिता ही जन सोच वस कर रही महिष किशोर, गर्वन के अर्भक तलन परशु मोर अति को। अरे राजा के बालक, तू अपने माता पिता का सोच में वस न कर, मेरा फरसा बड़ा भयानक है, ये गर्भों के बच्चों को भी नाश करने वाला है। लक्ष्मण जी हंसने लगे, ओहो मुनीश्वर, तो आप अपने को बड़ा भारी योद्धा समझते हैं, बार बार मुझे कुल्हाड़ी दिखा रहे हो, बार बार ये कुल्हाड़ी दिखा रहे हो, फूंक से पहाड़ बनाना चाहते हो? ऐसा कोई फूंक से पहाड़ उड़ता नहीं है, यहां कोई कुमड़े की बतिया नहीं है जो तरजनी अंगुली को देखते ही मर जाती है, कुठार धनुष बाण देखकर ही। मैंने कुछ अभिमान से कहा था, जो विलो की अनुचित कहो क्षमा महामुनि जी, सुनी सरोस भृगुवंश मणि बोले गिरा गंभीर। राम जी ने कहा ये दूध कुआं इसे छोड़, ये दूध कुआं किसने कह दिया दूध हुआ? कौशिक सुनो मंद यो बालक कुटीर काल बस निज कुल खाना। हे विश्वामित्र सुनो, ये बालक बड़ा कुबुद्धि और कुटिल है, काल के बस होकर अपने कुल का घातक बन रहा है। ये बालक उदंड मूर्ख और निडर है। विश्वामित्र जी गंभीर हो गए, पर लक्ष्मण जी ने कहा मुनि, आपका ये सुयश आपके रहते दूसरा कौन वर्णन कर सकता है? आप खुद ही अपने मुंह से स्वयं का परिचय दे रहे हैं, किसी से परिचय जानने की जरूरत ही नहीं। सूर समर करणी कर ही कही न जना वही आप, विद्यमान रण पाई रिपु कायर कथक प्रताप। सूरवीर तो युद्ध में करणी करते हैं कहकर अपने को नहीं जनाते। अरे परशुराम जी, बात ऐसी है, बार बार आपको क्या परसों दिखा रहे हो? अपना तिलक पहुंचो, चद्दर एक तरफ पटको और ये जनेऊ उठा निकाल करके रख दो, फिर मैं बताता हूं आपको। अपने आप को योद्धा भारी समझ रहे हो? लड़ो मेरे सामने आओ। मैंने सुमित्रा का दूध पिया, मां सुमित्रा का, मैं लज्जाने वाला नहीं हूं। इस तरह से सुन करके राम जी ने देखा, रे आपको मामला गड़बड़ हो रहा है। राम जी तुरंत आमने सामने आकर के हाथ जोड़ के कहने लगे, ये आप ही का दास है जिसने धनुष तोड़ा। परशुराम जी का क्रोध शांत हुआ धीरे 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 धीरे। राम जी की मुखवाणी सुन करके, अच्छा तेना धनुष तोड़ा, साक्षात ब्रह्मांड अधिनायक हुआ, मैं ये तुम्हें धनुष देता हूं, इसे तान करके बताता। राम जी ने जैसे धनुष हाथ को दिया और तानने के लिए छुआ, अपने आप तन करके तैयार। राम जी की प्रभुता देखकर परशुराम जी नतमस्तक हो गए, ये तो साक्षात ब्रह्म परब्रह्म परमात्मा है। बड़ी सुंदर परशुराम जी ने राम जी की स्तुति किया और स्तुति के बाद जय रघुवंश वनज वन भानु गायन धनुज कुल धनु कृषाणु, जय सूर्य विप्र धनु हितकारी, जय मनमोह को ब्रह्म।
जाना राम प्रभाव तब पुलक प्रफुल्लित का जोरी पानी बोले वचन हृदय ने प्रेम भुला। इस तरह से परशुराम जी ने स्तुति वंदन कर प्रेम से पूरी होकर भगवान को प्रणाम करके वापस वहां से सीधा हो गए। अब जो है बड़े बड़े प्रतापी राजा ने सब अपने अपने घर को चले गए। राजा जनक ने महाराज दशरथ को पाती लिखी और उस पाती को पहुंचाया गया। महाराज दशरथ ने उस पाती को पढ़ा, खाटी और मीठी, खाटी भी लगी और मीठी भी, ताड़ का मिली खाटी लगी, अहिल्या का उद्धार किया मीठी लगी, महाराज जनक मिले मीठी लगी, बड़े बड़े प्रतापी राजाओं अभिमान से भरे राजाओं का मिलन हुआ तो खाटी। महाराज जनक ने राम जी का सम्मान किया, आदर किया तो मीठी लग गई। बड़े बड़े प्रतापी राजाओं के मध्य रावण ने आकर के धनुष को उठाया, उठा तो खाटी लगी। पर धनुष के भार में दब गया, खाटी लगी, मीठी लगी। राजा जनक के आवेश में चले आ सब अपने अपने वीरों का अभिमान करने वाले, खाटी लगी। राम जी के हाथों धनुष छूटा, मीठी लगी। सीता जी ने वरमाला पहनाई तो मीठी लगी। परशुराम जी आए, उन्होंने क्रोध जताया तो खाटी लगी। इस तरह की पत्रिका को पढ़कर समस्त अयोध्या वासी बढ़ चढ़ करके वहां से अपने अपने रथ में सवार होकर और मिथिलापुरी की ओर कूच किया। बरात बिना दूल्हे की बरात, इतिहास में पहली बार बिना दूल्हे की बरात गई अयोध्या से। दूल्हा तो ऑलरेडी पहले से पहुंच चुका था राम जी मिथिलापुरी में, जनकपुरी में, तब यह बिना दूल्हे की तो बरात थी। अब बराती बिना दूल्हे की जनकपुरी पहुंची, वहां बड़ा भारी भव्य स्वागत सत्कार हुआ, राम जी का चरण प्रक्षालन हुआ। राजा जनक चरण प्रक्षालन करता है। रामायण में दो ऐसे प्रसंग हैं जहां केवट में पूरे चरणों को धोया रगड़ रगड़ करके। वो ज्ञानी नहीं है, वो ध्यानी नहीं है, वो तपस्वी नहीं है, वो जानकार नहीं है, वैरागी नहीं है, अनुरागी नहीं है, कुछ भी नहीं है, फिर भी उसको पूरे चरण धोने का अवसर मिला। और यह राजा जनक ज्ञानी है, ब्रह्म की व्याख्या जानता है, ब्रह्म को जानता है, समझता है, पर उसको केवल अंगूठा प्रक्षालन करने का अवसर मिला। लग्न मंडप में बिठाया गया, सब में आपस में चर्चा हुई, मांडवी को तैयार किया भरत जी के लिए, उर्मिला को तैयार किया लक्ष्मण जी के लिए, सुरथ कीर्ति को तैयार किया शत्रुघ्न जी के लिए, चार लग्न मंडप तैयार किए और चारों से वहां सब तैयारी होने लगी। देवता लोग अपना अपना स्वरूप धारण करके बड़े सुंदर भाव के साथ में वहां जो है राम जी के विवाह में बढ़ चढ़ करके तैयारियां करने लगे। अनेक अनेक प्रकार के दहेज की सामग्रियां वहां लाकर के रख दी। पूरे जनकपुर वासियों ने अपने नगर को सजा धजा करके, रंगोलियां बना करके, तैयार करके, सुंदर वस्त्र गहना आभूषणों से लदलद करके जो है आज अयोध्या वासियों का स्वागत सत्कार करके उस लग्न मंडप में सब चले आए। बड़े सुंदर भाव से यहां तैयारियां होने लगी, वाद्य यंत्र बजने लगे, चारों तरफ गान होने लगा, नाच होने लगा, तरह तरह के उत्सव मनाने लगे।
लग्न मंडप में महाराज नाना प्रकार की जो लग्न विधि है वो सब पूर्ण होने लगी। राजा जनक ने सुनेना ने सीताराम के गठबंधन करवाए शतानंद जी के द्वारा ब्राह्मणों के द्वारा और फेरे खाने लगे। पहला फेरा धर्म का अर्थ का काम और मोक्ष का, इस तरह से चार फेरे खाकर बड़े आनंद के साथ में हुआ और गीत गाने लगे। आइए बड़े भाव प्यार के साथ राम जान की विवाह महोत्सव की गीत अब हमारे संत राम शरण जी से बारी बारी से सुनते रहे, उसके बाद आरती। ओ रघुवर जी रघुवर जी उठे तो रुचि रुचि ये तो रुचि रुचि जीवो सरकारी रघुवर सावरी तो रुचि रुचि जीवो सरकार रघुवर सावरिया Thank you.
शत्रु घने द्वार खड़े हैं। भरत शत्रु घने द्वार खड़े हैं। कयो सुनो प्रभु माफ कर दीजो, कयो सुनो प्रभु माफ कर दीजो। अरे कर जो नाहला माफ कर दो रामचंद्र भगवान की। कराया तो कराओ व्यायाम तो कोई भी व्यायाम तो कराओ जो वही नहीं कौन जाए तो करा आज व्यायाम हो बैठे बड़े आनंद के साथ आज के इसको इस प्रसंग को ही विराम देते हैं। बड़े आनंद के साथ आप और हम सभी ने राम जानकी के विवाह को संक्षिप्त प्रसंग श्रवण किया। कल राम वनवास होगा और हो सके तो आगे प्रसंग बढ़ेगा, इसलिए अब अधिक से अधिक संख्या में आइएगा और प्रसंग सुनिएगा। बोलिए रामचंद्र भगवान की। श्री हनुमंतलाल जी महाराज की जय। स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज की जय। स्वामी जी श्री भगवान दास जी महाराज की जय। स्वामी जी श्री दर्शन राम जी महाराज की जय। स्वामी जी श्री रामदयाल जी महाराज की जय। शाहपुरा धाम की जय। सद्गुरुदेव की जय। जय जय श्री राम जय जय राधे जय जय श्री राधे। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। नमः पार्वती पदे हर 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 महादेव। राम राष्ट्र धर्म की जय। भारत माता की जय। गौ माता की जय। वंदे वंदे राम जी राम राम महाराज। 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 जोर बोल जो राम जी राम राम महाराज। बाहर की ना जाओ महंग जाना। कल आई जो 11 बजे हिंगो नहीं करी नोट। अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। Thank you.
श्री रामायण के आरती से रामा
Ah!